अभी जाते हैं ऑप्शंस पे। देखो ये अब हाँ स्वैप्स फॉरवर्ड ना ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, सिर्फ अलग अलग नाम है, फॉरवर्ड, फ्यूचर और स्वैप्स। ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये कब लेते हैं, जब तुमको कोई चीज का डर हो कि तुम अगर ट्रेडर हो तो तुमको लगता है कि ये नीचे जाएगा तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, या तुमको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो तुम ऑलरेडी उसका प्राइस फिक्स कर देते हो। तो ये सब चीजें होते हैं कि तुम फ्यूचर में जो परचेजेस होते हैं ना उसके तुम प्राइस आज ही फिक्स कर देते हो, क्योंकि तुमको हाँ फ्यूचर के लिए जो भी ऊपर नीचे होगा वो तुमको उसका डर नहीं चाहिए, तुमको तुमको नहीं चाहिए कि मेरे प्राइसेस बढ़ जाए, जो है उससे मैं खुश हूँ। हाँ तो तुम तो इसके वजह से ये सब फॉरवर्ड और फ्यूचर्स डेवलप हुए थे, ठीक है। तो अभी होता है ऑप्शंस, अभी ये ऑप्शंस मतलब प्योर प्योर तुम्हारा लॉटरी है, ठीक है, लॉटरी टिकट। अभी हाँ ऑप्शंस का ना, अभी ऑप्शंस भी इसी के लिए थे कि तुमको ना तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी तुमको बेटिंग करनी है। अभी ये प्योर बेटिंग के लिए था, ठीक है, ये ठीक है प्योर प्योर बेटिंग के लिए था। अभी ये यूज होता है यूजुअली स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ये प्रैक्टिकली यूज होता है। फॉरवर्ड जो फ्यूचर तो हमारे कमोडिटीज में यूज होता है, ठीक हाँ है। अच्छा ये अपना स्टॉक मार्केट में सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन ही होता है ना, मतलब हाँ फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं फॉरवर्ड नहीं है, और स्वैप नहीं होता है। हाँ फॉरवर्ड तो मैं बोला ना एक्सचेंज पे नहीं होता, और स्वैप भी नहीं होता है। स्वैप भी नहीं होता, नहीं स्वैप होता है, हाँ स्वैप भी होता है मार्केट पे, स्वैप में भी दो दो टाइप के होते हैं। स्वैप होता है मतलब स्वैप भी इज अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड, एक तो एक्सचेंज पे होगा या ये होगा, अगर कस्टमाइज हुआ तो फॉरवर्ड होगा वो। स्वैप भी तो कस्टमाइज हो सकता है ना। हाँ तो कस्टमाइज हो गया तो वो एक्सचेंज पे नहीं होगा, हाँ वही हाँ अगर नॉर्मल हुआ स्वैप्स तो वो एक्सचेंज पे हो जाएगा। अभी हाँ इंडिया में तो नहीं है स्वैप्स, बट हाँ होते हैं ये हाँ ना अलग अलग, इंडिया में है पर हमको पता नहीं है कि हम इंडिविजुअल्स में, क्योंकि उसमें टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। अच्छा अच्छा अभी ये क्या, हाँ 1-2 करोड़ के लोन पे तुम हाँ भरते हो तो बहुत बड़ा होता है टिकट साइज, तब अभी 1-2 करोड़ नहीं होता, 1000 करोड़ में होते लोन, ठीक हाँ है। इसके लिए वो हम नहीं कर पाते, इंडिविजुअल नहीं करता, वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो ये सब होता है, ठीक ये सब तुम ठीक फिक्स है इनकम सिक्योरिटी होते हैं ना उसमें सब होता है, बैंक सब करते हैं, रोज के करते हैं, तो हाँ आज तो ठीक है रोज के हाँ ट्रेड होते हैं, तो हाँ हमको नहीं पता चलता क्योंकि हम हमको वो टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हाँ क्योंकि छोटे पे प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा ना। छोटे में कितना चाहिए, इंटरेस्ट रेट थोड़ी 1% चेंज होता है, हाँ वही हाँ इंटरेस्ट 0.01% चेंज होता है, तो उतना थोड़ी, इतना बड़ा वॉल्यूम आता ही तो कुछ कुछ पैसा बनेगा ना, वरना तो हाँ बनेगा। अभी ऑप्शन एक ये था कि ऑप्शन ना कैसे होता है, ऑप्शन ना एक टोकन अमाउंट है, समझो ऑप्शन ना हाँ तुमको तुमको ना चलो एक घर लेना है, ठीक है, पता है टोकन अमाउंट देते हैं पहले ही कि हाँ हमने फिक्स कर दिया कि तुम किसी और को बेचोगे नहीं, ठीक नहीं है, और मुझे ही बेचोगे, ठीक है, ऐसा है कि टोकन देते हो कि तुम, मैंने तुमको टोकन दिया कि मैंने अगर तुमसे घर लेना है, ठीक है, तो क्या हो गया, टोकन अमाउंट मैंने तुमको दिया तो वो तुम बोलते हो कि ये घर अभी मैं तुमको ही बेचू, मुझे ही बेचोगे, ठीक है। और फिर पता है हम प्राइस भी फिक्स कर लेते, पता ना हम एक प्राइस फिक्स कर लेते और उधार से प्राइस बढ़ा दो, तो बायर का प्रॉफिट है। हाँ हाँ नहीं बट हाँ बाहर का प्रॉफिट है बट तुमको तो पता है ना वही प्राइस पे देना है ना। तो ऑप्शंस में अच्छा दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्शंस जिसको कॉल बोलते हैं, कॉल और एक पुट होता है। कॉल मतलब तुम राइट टू बाय, मैंने तुमको टोकन दिया तो मेरे पास राइट है तुम्हारा एसेट बाय करने को, ठीक है, कल तुम मुंह फेर नहीं सकते, ठीक है, मैं फेर सकता हूँ। देखो मैं तुमको टोकन दिया, मैं बोला अभी मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, तो मैं नहीं ले पाऊंगा, मतलब मेरा जो अमाउंट मैंने दिया होगा टोकन अमाउंट वो भी चला हाँ जाएगा। वो चला गया बरा, वो चला गया, वही हुआ, और कुछ नुकसान नहीं होता तुम्हारा, ठीक है। कैसा होता ना, अभी मैंने तुमको बोला कि मुझे ना घर खरीदना है, ठीक है, एक महीने बाद मुझे घर खरीदना, मैं तुमको आज ही टोकन अमाउंट दे दिया, ठीक है। अभी घर का भाव चलो 1 करोड़ था, अभी ना अचानक से कुछ इश्यूज हो गए मार्केट में, ठीक है, रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए, वो 1 करोड़ का हो गया 50 लाख, एग्जाम्पल। तुम ठीक बोलोगे अभी तो मेरे को नहीं चाहिए ना, तुम बोलोगे नहीं चाहिए मुझे घर, सॉरी मैं तुम मेरे को बोलोगे कि ऋषभ सर मुझे घर नहीं चाहिए आपसे, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें, सिर्फ तुम्हारा टोकन अमाउंट जाएगा, ठीक है, तुमको क्या एडिशनल जेब से भरना नहीं है ना, क्योंकि तुमने तुमको ये सिर्फ तुमने राइट दिया, ठीक है, खुद बाय नहीं किया तुमने, मैं तुमको ये कॉल मतलब टोकन अमाउंट होता है, मैंने तुमको टोकन दिया,
कि मुझे घर एक प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। आज हमने डिसाइड कर लिया कि 1 करोड़ पे घर, तो 1 करोड़ पे हम घर तुम मुझे बेचना है, तुम मुझे बेचना, तो तुम मुकर नहीं सकते, ठीक है, तुम मुकर ठीक नहीं है सकते क्योंकि मुझे तुमने मैंने तुमको पैसा दिया है वो चीज का। तो कल भले अगर प्राइस कम हो गया तो मुझे नहीं लेना, मैं नहीं ले लूंगा। मैं बोला ठीक है, गया मेरा टोकन अमाउंट, गया तो ठीक है, मुझे नहीं घर लेना है, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि हमने एक प्राइस डिसाइड किया था। फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता है, फॉरवर्ड में कुछ टोकन नहीं होता है, ठीक है। फॉरवर्ड में फिर हमने जो डिसाइड किया था वो फिर वो प्राइस पे लेना ही पड़ेगा। ठीक है फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में क्या होता है, राइट टू, मतलब उसमें कुछ राइट विट नहीं होता, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं कि 1 महीने बाद मैं घर लूंगा 1 करोड़ पे। कॉल में एक फायदा है कि मैं तुमको अभी टोकन देता हूँ, क्योंकि आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। तो हाँ जब ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना मार्केट में, तभी हाँ हम हाँ ये लेते हैं। फॉरवर्ड कब लेते हैं, कि जब हमको पता है कि हमको चाहिए ये चीज, ठीक है। तो अगर लगता है कि कल मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होने वाला है तो तुम तभी फॉरवर्ड नहीं लोगे, तुम बोलोगे मैं हाँ टोकन अमाउंट देता हूँ, अगर बढ़े तो ठीक है फायदा ही है, ठीक है, बट घटा तो ठीक है मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा सिर्फ ये टोकन अमाउंट जाएगा, ठीक है, समझे। टोकन हाँ अमाउंट सर। कितना होता है, 1 करोड़ पे टोकन अमाउंट कितना होता है, 5, 50 हजार, 1 लाख। अच्छा पॉइंट टोकन अमाउंट कितना देते हैं हम, कितना देते टोकन, 5% हाँ पॉइंट ऐसा। फाइव परसेंट वही तो वो गया तो ठीक है ना, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ स्टॉक 10-15% से गिर गया तो तुमको फर्क पड़ेगा ना, हाँ पड़ेगा। कल कल तुमने फ्यूचर ली, फॉरवर्ड लिया है और फॉर फ्यूचर लिया है और 15% नीचे गया स्टॉक, तुम तो लौट हाँ जाओगे ना, तुमको तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। ये जो टोकन अमाउंट है हाँ और वो जो मार्जिन है वो दोनों अलग चीजें हैं। हाँ मार्जिन, मार्जिन तो ये तो मैंने तुमको दे दिया, अच्छा ठीक ये तो है। मैंने हाँ तुमको दे दिया, तुम्हारा तो प्रॉफिट हो गया ना, तुम हाँ फ्लैट बेचो या ना बेचो इतना तो आ गया है ठीक। तो आ गया इतना बराबर। और मेरे में अच्छा से जेब में से हाँ इतना गया बराबर, मेरे जेब में से पहली चीज, मतलब पहला ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना ये रहता है कि मैंने तुमको आज टोकन अमाउंट दे दिया। बट ठीक फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में कुछ वैल्यू एक्सचेंज नहीं होता पहले दिन पे। मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने बोला था कि हैज जीरो वैल्यू एट इनिशिएशन, इंसेप्शन है, तो इसको कुछ तो वैल्यू होगा। ऑप्शंस को विल हैव सम वैल्यू एट इनिशिएशन है ना, विल हैव मतलब हैव सम वैल्यू, मतलब मैंने ना प्रॉफिट वैल्यू है इनसेप्शन, मतलब जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट चालू ही कैसे होगा, मैं तुमको टोका अमाउंट देने से चालू होगा, मतलब वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया ना, वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही चालू होता है। अभी तुम ये एक्सरसाइज करो या नहीं करो, मतलब तुम घर लो या मत लो, तुमको तो पैसा आ गया, तो ये उसको क्यू विल हैव सम वैल्यू एट द इनिशिएशन एंड सम वैल्यू, मैं बोलूँ वो यूजुअली होता है तुम्हारा टोकन अमाउंट, ठीक है। फिलहाल मैं ये टोकन लिख रहा हूँ, ठीक है, टोकन अमाउंट, ठीक ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा राइट टू बाय, ठीक है। सेम इसमें भी हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस फिक्स करते, 1 करोड़ का प्राइस फिक्स किया, तुम बोलते हो कि प्राइस मुझे मुझे तुम ये घर 1 करोड़ में बेचोगे, ठीक है, फिर प्राइस बढ़ गया ना तो भी तुमको मुझे 1 करोड़ में बेचना है, ठीक है, समझा ना। इसमें तुम डिफॉल्ट नहीं कर सकते, इसमें तुम डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्सचेंज पे होता है ये, ठीक है। तुमने मैंने तुमको आज फिक्स कर दिया कि मुझे ये स्टॉक तुम दोगे, फिर प्राइस जो भी हो मार्केट में, ठीक है, ठीक है, ये तुम स्टॉक, मतलब मैं 1 करोड़ पे तुमसे खरीद लूंगा, ठीक है, और मैं तुमको ऑलरेडी पहले टोकन अमाउंट दे दिया, ठीक है, ये हो गया, उसको बोलते हैं कॉल, ठीक है। अभी ये टोकन अमाउंट, तुम ये कॉल मतलब तुम्हारा टोकन अमाउंट कब एक्सरसाइज करोगे, अभी एक्सरसाइज मतलब कि तुमको ठीक है, तुमको ये टोकन अमाउंट तुमने दिया तो तुम ये स्टॉक कब लोगे, जब प्राइस बढ़ गया है घर का या कम हो गया। मैं तुमको बोला कि मुझे टोकन अमाउंट दिया जो, चलो नहीं 1000 1000 डॉलर, ठीक है, 1000 डॉर का स्टॉक लेते, ठीक है, तो ठीक मैं 1000 रुपये का, चलो घर है एग्जाम्पल, 1000 करोड़ का घर है, 1000 करोड़ का घर है, और इसका प्राइस अभी हमने क्या डिसाइड किया कि मैंने तुमको टोकन अमाउंट दिया, चलो मैंने तुमको 100 रुपया दिया, ठीक है, टोकन दिया, तो बोला कि मैंने तुमको 100 रुपया टोकन दिया, मैंने तुमको बोला कि सार्थक मुझे ये 1 महीने बाद मुझे घर खरीदना है, और हमने क्या प्राइस डिसाइड किया, 1000 रुपया, ठीक है, ठीक है, प्राइस डिसाइड किया, और उसके लिए मैंने तुमको टोकन भी दिया पहले ही, कि प्राइस मार्केट में कुछ भी हो, कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, तुम मुझे तो 1000 रुपये में देना ही है तुमको ये मुझे। अभी कल 3 महीने बाद या जो भी 1 महीने बाद, चलो मैं बोलता हूँ इसका प्राइस ना 900 रुपया हो गया, ठीक है, इसका तो मैं लूंगा क्या तुमसे 1000 रुपये पे, मैं नहीं लूंगा, तो अभी इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, 100 रुपये 100 रुपये का, बराबर।
क्योंकि मैंने 100 रुपया ही भरा। चलो अगर तो ये 800 हो गया तो भी नुकसान है 100 रुपये कितना का नुकसान? का। 100 यार, क्योंकि मैंने तो खरीदा नहीं है तुमसे। ठीक है हाँ अच्छा चलो, अभी ये हो गया 1200 रुपया। ठीक है अभी तेरह सौ हो गया, अभी 1300 हो गया, चलो 1300 हो गया हाँ अभी। अभी अभी मैं लूंगा क्योंकि मुझे आधार। हाँ मैं लूंगा अभी तुमसे, मैं लूंगा ना तुमसे, अरे मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि अभी प्राइस बढ़ गया। और मैं तुमको कितने लूंगा? 1000 रुपये। ₹1000। तो अब इसमें ना वो हमारे इसकी तरह रियल एस्टेट के तरह टोकन अमाउंट इसमें ऐड नहीं होता, ठीक है? वो अलग हो गया, हाँ ऐसा अच्छा होता है, वो ठीक अलग हो गया। ठीक है, वो सिर्फ मैंने तुमको क्यों देता है, क्योंकि मैंने तुमसे फिक्स कर दिया। पता है हम क्या हाँ बोलते हैं, टोकन ठीक अमाउंट हमारे रेंट में एडजस्ट हो जाता है ना, तो इसमें एडजस्ट नहीं होता। ठीक है, वो है एक एक सिर्फ पैसा होता है ना, कैसा एक एक टाइप का होता है कि मैं तुमको दे दिया, तो वो हमारे इसमें एडजस्ट नहीं होता रेंट में। ठीक है मतलब समझो ना, एक टाइप का ब्रोकरेज हो गया वो, एक टाइप। हाँ ठीक है कि मैं तुमको अभी बोल दिया, और ये नॉन रिफंडेबल ब्रोकरेज टाइप, समझो नॉन रिफंडेबल टोकन। ठीक है हाँ अभी हो गया प्राइस 1300 हो गया स्टॉक का, अभी मुझे कितना ठीक फायदा होगा? है 300। 300 रुपये का ना, मुझे 300 रुपये का फायदा होगा। बट मैंने ना 100 रुपये भी तुमको दिया है ना, हाँ दो तो मेरा फायदा 200 रुपये का ही होगा। ठीक है सौ सका होगा, तो ये याद रखना। ठीक है ठीक कोई है, अगर ये प्राइस चलो 1100 1100 होगा, तो अभी कोई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं। ठीक है, अगर ये प्राइस ना 1050 हुआ, ठीक है, तभी नहीं। तभी मैं लूंगा तुमसे, हाँ नहीं तभी भी नहीं लूंगे, क्योंकि मुझे इसमें अभी भी लॉस है। ठीक अभी भी लॉस ना। है, तो अभी इसमें ब्रेक इवन क्या हुआ, कि तुमको क्या प्राइस के ऊपर जाना चाहिए तब तुम लोगे। तो अच्छा ये हो गया तुम्हारा वो ब्रेक इवन पॉइंट जो था, तुम पढ़ रहे थे ना, वो ये था, हाँ उसमें वो ये था कि क्या। के टाइप में चार्ट बना था हाँ पूरा। वो अजीब है, ठीक है लिखा था वो, ठीक है तुमको, पर अभी एक बार तुमने पढ़ा, तुमको समझा ना कि तुमको नहीं पता है। हाँ ये क्या होता है ना, मैं क्यों बोल रहा पढ़ने को, तुमको पता है कि तुमको ये नहीं आता है, तो जब मैं हाँ बताता हूँ ना, तुम ज्यादा फोकस से सुनते हो, ये ह्यूमन हैबिट है। तुमने कोई भी ऐसा करो ना कि मैंने पढ़ा है, मुझे समझा ही नहीं है क्या है, तो तुम पहले तो डाउट पूछोगे कि सर ये मेरे को समझा नहीं, ये ऐसा इसने लिखा था, इसका क्या मतलब था। तो जब मैं तुमको हाँ समझा, तब तुमको अभी ये याद रह जाता है काफी टाइम के लिए, कि चलो ये ब्रेक हाँ इवन जब मैंने पढ़ा था मुझे कुछ समझा नहीं, बट जब सर ने समझा तो मुझे समझ गया कि क्या था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन। अभी अभी वो सब अलग अलग वर्ड्स में दिखाया, बट मैंने तुमको कंसेप्ट बताया कि क्या था। ठीक है हाँ ठीक है, उसमें वो बुक में तो ग्रेटर देन लेस देन हाँ वो बहुत कुछ इक्वल बताया। टू। ठीक है वो, ठीक है तो ये सम ये हिसाब से समझ, ठीक है समझा। हाँ अभी पुट, अभी तुम जब वापस दूसरी बार पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ जाएगा कि क्या पढ़ रहे हो। ठीक हाँ है अभी तुमको फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट फर्स्ट टाइम वो हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमको ये नहीं आ रहा है। अभी हो गया राइट टू बाय हो गया, अभी ये कॉल था। ठीक है कॉल मैं कब लेते हैं, जब मैं तुमको टोकन दिया कि मैं अभी एक, कब लेते हो तुम पता है कॉल? व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज, बराबर ठीक ना, तभी लेते ना, तभी तुम ये एक्सरसाइज करोगे, बराबर। इसका प्राइस कम हो गया था, अच्छा अभी मैं बोलूँ कि चलो ना इसका ना प्राइस हो गया 800 रुपया, अभी कितना लॉस है तुमको? मुझे अभी मुझे तो लॉस मुझे सोच होगा। के बता वापस, उन्हें तुमको सौ टोकन रुपये दिया 100 रुपया, और अभी भाव हाँ हो गया वो घर का 800 रुपया, तो क्या मैं घर लूंगा क्या तुमसे? नहीं 1000 रुपये में लूंगा तुमसे घर? नहीं 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 सौ ना, तो लॉस कितना हुआ मेरा? रुपये नॉन रिफंडेबल। ठीक है तो हाँ कितना लॉस हुआ तुम्हारा? ठीक है 100 रुपये अगर मैं बोलूँ ये 600 रुपया हो गया, तो 100 का रुपये का, तो तुमको भी माइनस नहीं करना है वापस। ठीक है कॉल तो भी में तुम्हारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? सौ रुपये का। हाँ हाँ जो अमाउंट दिया है हाँ वही मैक्सिमम, लॉटरी वाला जो लॉट जितने की लॉटरी ली है मैंने। अभी हाँ मैक्सिमम अमाउंट। तो क्या तो कभी टोकन अमाउंट की बात है, मैक्सिमम अमाउंट का लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना होगा तुम्हारा मुझे टोकन अमाउंट? ठीक है तुम्हारा टोकन अमाउंट, ठीक है ये हो गया तुम्हारा टोकन अमाउंट। ठीक है मतलब 100 रुपये, कितना प्राइस कितना भी कम हो जाए, तुम्हारा मैक्सिमम 100 रुपये होने वाला है। ठीक है अभी इसको बोलते हैं बाइंग अ कॉल, बाइंग अ कॉल, सेलिंग अ कॉल भी होता है, क्योंकि एक बायर है, मतलब एक जो टोकन देता है तो टोकन लेने वाला भी होता है ना, तुम लेने वाले भी तो हो ना, है ना। तो तुमको क्या है पता है, अगर अगर ये भाव 1000 का 2000 हो गया, ठीक है
तो तुमको तो मुझे 1,000 में ही बेचना है ना, बराबर हाँ ना? तुम्हारा क्या लॉस हुआ इसमें? तुम्हारा कितना लॉस हुआ? ये तुम्हारा फ्लैट था ना, हाँ तो ठीक है नोशनल लॉस नहीं हुआ, बट सॉरी पैसा गया नहीं, बट आई डिड वैल्यू लॉस। में हाँ हाँ वैल्यू पैसे में कितना लॉस हो गया? 1,000 का 1,000 का ना तुम्हारा हाँ लॉस हो गया ना? चलो कल ये 3,000 2,000 गया, तो अच्छा का लॉस 2,000 नहीं, 2,000 100 रुपया तुमको मिला है ना, तो हाँ ठीक 100 रुपया तुमको मिला है ना, है हाँ 100 रुपये मिला है मैंने तुमको दिया है ना, तो 3,000 19,000 माइनस 1,000 माइनस 100, हमारा 1,900 का लॉस होगा। ठीक है, तो हाँ ये याद रखना कि तुमको लॉस में थे ये, क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ठीक तो क्या मैं बोलूँ, इधर तुम तो बड़े रिस्क में हो, स्टॉक का हाँ प्राइस अगर बढ़ गया तो तुमको तो हाँ बेचना है कम प्राइस पे। और हाँ आइडियली क्या होता है, हमने जो करा था ना कि डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पूरा कैश कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे तुमको मुझे वो 2,019 1,900 रुपये देने, उन्नीस तुमको हाँ मुझे देने हाँ पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली स्टॉक लेते बेचते नहीं, हम सिर्फ पैसा कैश ही करते, सिर्फ मतलब ये भी एक टाइप का तुम्हारा यही हो गया, स्पेकुलेशन ही हो गया, प्योर प्योर हाँ स्पेकुलेशन, हमने कोई स्टॉक विक लिया विया नहीं है इसमें। अच्छा डिलीवरेबल होगा तो ठीक है, डिलीवरेबल में तुमको ना मुझे ये स्टॉक देना है, मार्केट में प्राइस कुछ भी हो। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट मतलब तुम्हारा लॉस, ठीक है तुम्हारा प्रॉफिट मतलब मेरा लॉस। ठीक है, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव जीरो सम, इसको जीरो सम गेम बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक ही कोई प्रॉफिट कमाता है, मतलब एक का प्रॉफिट और दूसरे का लॉस ऐसा। ठीक है, तो ना बेटिंग की तरह है ना, एक बेटिंग में क्या होता है, बेटिंग में थोड़ी कोई तुम नया पैसा थोड़ी कमाते हो, क्या है कि एक का तुम दूसरे से लूट के एक को कमाते हो, बराबर? तो ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, वरना हम बिजनेस में किसी को लूटते हैं क्या? मैं तुमको सिखाने का पैसा ले रहे हैं, बराबर? तो तुमको कुछ मिल रहा है, इसमें किसी को कुछ मिलता नहीं, इसमें मैं तुमसे लूटता हूँ और मेरे पास आता है, मतलब तुम्हारा पैसा मेरे पास आता है, सिर्फ पैसा इधर उधर घूमता रहता है, नया पैसा नहीं बनता इसमें। ठीक है, तुम्हारा पैसा मेरे पास आया, मेरा पैसा किसी और के पास गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरो सम गेम, वो से अभी नाम दिया है बड़े बड़े, बट ये कि मेरा प्रॉफिट तुम्हारा लॉस। ठीक है, अभी ये कॉल समझा, तो बाइंग अ कॉल था और एक सेलिंग अ कॉल भी था, जो तुम टोकन वाला होता ना, सेल अ कॉल। ठीक है, फर्क क्या दोनों में? बाइंग अ कॉल, बाइंग अ कॉल का मतलब हो गया कि मैं कॉल ऑप्शन यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस इस स्टॉक का पर्टिकुलर स्टॉक का बढ़ेगा हाँ और सेलिंग सेलिंग अ कॉल ऑप्शन होगा कि जब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस इसका गिरेगा हाँ तो कॉल, हाँ जब प्राइस उसका गिरेगा, तो बाइंग अ कॉल मीन्स व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप। देखो अभी इसमें दो अलग है, व्हेन यू एक्सपेक्ट, अभी ये ना इसमें जो बायर होता ना, व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप, इसमें ना बायर को हमेशा एक अपर हैंड होता है, क्योंकि डिसीजन उसका होता है। ठीक है, मुझे बाय ठीक करना है है कि नहीं, जो सेलर होता है ना, ठीक तुमको तो घर बेचना ही है मेरे को, ठीक है, तो मैं कह लो मेरे को राइट है, तुमको ना ऑब्लिगेशन है सेल करने का। क्यों ऑब्लिगेशन है? क्योंकि मैंने तुमको एक टोकन अमाउंट दिया है, बराबर ना? ऑब्लिगेशन टू सेल, मेरे पास अगर राइट टू बाय है, भी राइट टू मतलब ये सब दिया है वर्ड, राइट टू बाय मतलब क्या है, अगर मैंने तुमको टोकन अमाउंट दिया है तो तुमको तो देना ही है ना मेरे को, क्योंकि मैं तुमको टोकन अमाउंट दे, तुम मुकर नहीं सकते ना, लीगली तो नहीं कर सकते ऐसा कि मैं तुमको टोकन अमाउंट दिया है और तुम बोलो कि अभी मैं तुमको घर नहीं बेचूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें राइट है कि मेरे पास राइट है, तो तुमको यही समझना है कि वो जो राइट बाइंग अ कॉल है, ये तुम कब लोगे, कि जब तुमको लगता है ना कि तुम एक स्टॉक कब लोगे, जब तुमको लगता है प्राइस बढ़ेगा तभी लोगे ना, तुम थोड़ी प्राइस घटेगा तभी स्टॉक लोगे, बराबर ना? बराबर ना? तुमको है कि तुम जब लोगे, जब प्राइस बढ़ेगा, तो हम ये फॉरवर्ड में नहीं जाते, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, नीचे गिरा तो नीचे गिरा था, तो क्या बोले, ये तुमको थोड़ा बहुत डाउन साइड प्रोटेक्शन दे देता है, कि अगर डाउन गया तो तुमको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कितना नुकसान होगा, टोकन अमाउंट जितना ही नुकसान होगा, भले स्टॉक 50 तक कभी क्यों गिर ना जाए, बट अगर तुम फ्यूचर में लेते हैं तो तुमको 50 तक का तो मार्जिन भरना पड़ेगा उतना, स्टॉक गिर गया तो। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा राइट, यू हैव द राइट टू बाय। ठीक है, अगर तुम अगर वो टोकन वाले हो, तो तुम मतलब तुमने अगर टोकन लिया है, तो तुमको तो मुझे ऑब्लिगेशन है टू सेल,
ठीक है। हम्म, अभी हम घर यूजुअली लेते हैं रहने के लिए या उसका भाव एसेट लेते हैं भाव बढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ बट ऐसा भी होता है ना मार्केट में कि भाव गिर जाता है। हाँ आज तक हमने सिर्फ ये था कि भाव हम स्टॉक क्यों लेते हैं, ताकि भाव बढ़े, ताकि इसी के लिए हम स्टॉक लेते हैं ना, ताकि हमारा प्राइस बढ़े। बट मार्केट में प्राइस गिरता भी तो है। तुमको अभी लग रहा है कि ना तुम्हारा मार्केट मार्केट गिरेगा अभी, ठीक है। तुमको लगता है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, अभी गिरेगा। तो मार्केट गिरेगा तो तुम क्या अपना स्टॉक सब बेच दोगे, क्या नहीं, करोगे? अभी एग्जाम्पल मैं बोलूँ, तुम्हारा घर रह रहे हो, तुमको लगता है कि ना कि रियल एस्टेट के प्राइसेस नीचे गिरेंगे, तो क्या घर बेच दोगे? नहीं ना। क्या वापस खरीदोगे वापस प्राइस बढ़ गया तो? नहीं ना। तो क्या होता है अगर तुमको इस पे पैसा कमाना है, ठीक है, तुमको लगता है, अभी स्पेकुलेशन ना, कि तुमको लगता है कि ना कि मेरे घर के प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो तुम वापस एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते किसी और को, बोलते हो कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अगर प्राइस नीचे गया तो हम वो कैश, मतलब कैश कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कैश कॉन्ट्रैक्ट, कि प्राइसिंग पे खेलेंगे, प्राइसिंग ठीक कम होगा तो मुझे देखे, अगर प्राइसिंग गलती से बढ़ गया तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो सेम वे पुट में क्या है ना, पुट में क्या होता है, राइट टू सेल, राइट टू सेल मतलब ना मैं तुमको पैसा देता हूँ, मैं तुमको बोलता सार्थक 1 महीने बाद ना तुम मेरा घर मेरे से खरीद लोगे। अभी उल्टा हो गया, अभी उल्टा हो गया। अब ये नॉर्मली तो ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कभी कि मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एसेट ले लो, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ ना, कि मेरे को क्यों करूंगा मैं ऐसा, मेरा एसेट तुमको क्यों दूंगा? या तो वो ऑलरेडी मतलब आपको पता होगा कि उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू नहीं है, या मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू कम होने वाली है फ्यूचर में, कम होने वाली। तो इसी वजह से अभी ये उल्टा मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ कि सार्थक, और तुम ले भी रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तुमको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, इसी के लिए तुम वो ले रहे हो। तो सिर्फ कॉल का ये उल्टा है पुट, ठीक है। तो इसमें भी ठीक है दो होते हैं, बाइंग अ पुट होता है और सेलिंग अ पुट होता है, ठीक है। मतलब एक बायर हो गया ना, मतलब एक टोकन अमाउंट लेने वाला, मतलब देने वाला, और एक टोकन अमाउंट जो लेता है, वो हमेशा दो पार्टीज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में कॉल का एक पार्ट होता है, बाइंग सेलिंग होता है, पुट का भी बाइंग सेलिंग होता है, ठीक है। देखो अलग अलग है ना। इसमें क्या था, इसमें मैं बोलता हूँ कि मैं तुमसे घर खरीदूंगा, इसमें मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमको घर लेना है मेरे से, ठीक है। तो वेन यू क्या हो रहा है, वेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो नाउ, तभी तुम पुट लेते हो, ठीक है। मतलब ये पुट ऑप्शन में जाते हो, ऐसा पुट कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। राइट टू सेल, अभी ऐसा है कि मैं तुमको बोलता हूँ कि ना तार तक 1 महीने बाद तुम मेरे से ये घर 1,000 में लोगे, ठीक है। इसके लिए मैं तुमको आज एक टोकन देता हूँ, मैं ही तुमको टोकन दूंगा कि ना मैं तुमको 100 रुपये का टोकन दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने तुमको 100 रुपये दे दिया, बोला कि तार तक 1 महीने बाद तुमको मुझसे घर खरीदना है, और तुम एग्री भी हो जाते हो, तुम बोलते हो ठीक है सर मैं खरीद लूंगा तुमसे, ठीक है। अगर प्राइस चलो ठीक है, मैं बोला अगर प्राइस ना 3,000 हो गया, ठीक है, तो मैं तुमको घर बेचूंगा? नहीं नहीं ना, नहीं क्यों नहीं बेचूंगा? बढ़िया क्योंकि तो सरप्राइज ऊपर मतलब बढ़ गया। ना। तो मैं तुमको घर क्यों बेचू, मैं खुद ना बेच दू मार्केट में जाके, मतलब मैं तुमको 1,000 रुपये में क्यों बेचू, ऐसा मैं तुमको 1,000 रुपये में क्यों बेचू? हमने वापस ये डिसाइड ना, वापस ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, हमने ये डिसाइड किया कि 1,000 रुपये में तो मुझे घर बेचोगे, मतलब मैं तुमको घर बेचूंगा, उसके लिए मैं तुमको टोकन भी दिया कि सार्थक। ये क्यों करते हैं पता है, क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर मेरा प्राइसेस गिर गया मुझे नुकसान होगा, तो उसके लिए मैं पहले तुमसे फिक्स कर लेता हूँ कि सार्थक अगर प्राइसेस गिर गए तो तुमको मेरे से लेना है। हाँ, मेरा बायर रेडी रहे। हाँ मतलब हाँ, बायर रेडी रहे मेरा, वही मतलब मैं खुद को सेव कर लेता हूँ। पर अगर प्राइसेस बढ़ गए तो ठीक है, मेरे को नहीं बेचना है तुमको अभी, मैं क्यों 1,000 में बेचूँ ना तुमको, मेरा प्रॉपर्टी मेरा था और मैंने ही तुमको पैसा दिया है, ठीक है, खरीदने को। तो इसमें तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे बेचो, पर अगर फ्यूचर होता तो मुझे तुमको बेचना ही पड़ता था 1,000 रुपये, ठीक है। अगर फ्यूचर में होता तो, फ्यूचर्स होते तो या फॉरवर्ड होते तो ये फर्क है फ्यूचर्स फॉरवर्ड में और ऑप्शंस में, ठीक है, समझे। हाँ
क्या है, फॉरवर्ड में तो तुमको बेचना ही है कुछ कुछ भी करके, एक ही प्राइस पे। हाँ हाँ ऑप्शन में तुमको एक, मतलब वही बोलते हैं कि ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको ऑप्शंस हाँ बोलते हैं, कि तुमको एक ऑप्शन मिल गया कि मैं बाय करूं या सेल करूं, वो मेरे पे, क्योंकि हाँ एसेट मेरा है, ठीक है। इसके लिए वो वर्ड आ गया ऑप्शंस, यू हैव एन ऑप्शन, और उसके लिए तुम एक को एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है, कि वो तुम ना, कि तुम तुम्हारे मतलब ना, कि यहाँ पे तुम डिफॉल्ट नहीं कर पाओगे मेरे पास से, तुमको ऑब्लिगेशन ही है। तो इसमें भी ना मार्जिन होते हैं, ठीक है, इसमें भी ना मार्जिन लेते हैं फॉर फ्यूचर्स में जो होता है ना, तो अगर तुम ना सेल पे हो तो तुमको ना वो मार्जिन लेते हैं कि डिफरेंस में अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उतना पैसा तुम्हारे पास है ना मुझे देने के लिए। मतलब ये अगर अच्छा चलो ये ना, अगर 4,000 हो गया, ठीक है, भाव, हाँ सॉरी, हाँ हाँ मतलब ये समझो, ये भाव 4,000 हो गया, ठीक है, अभी पता ना तुमको मुझे 1,000 रुपये पे देना है, तो ये जो था डिफरेंस, अभी कितना होगा प्रॉफिट, कितना होगा मेरा, 3,000, 2,900। तो ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में है कि नहीं ना, वो पहले देखेंगे कि सार्थक के पास है ना इतना पैसा, कि अगर प्राइसेस बढ़ सकता है तो सार्थक मुझे दे सकता है ना पैसा, कि यहाँ पे तो एसेट तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एसेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी एसेट चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे हम कैश कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा का पूरा, कि यहाँ पे तुमको वो डिफरेंस मुझे देना है, तो तुम्हारे पास है भी नहीं इतना पैसा, वो लोग देखेंगे पहले, तो ये मार्जिन लोग ऑलरेडी ले लेते हैं तुमसे, ठीक है। क्या अच्छा अभी बताओ कि इसमें ये बाइंग और सेलिंग में सबसे ज्यादा लॉस किसका हो सकता है, एक बायर का या सेलर का? मतलब सोचो, आप सेलर, सेलर जो होता है उसको उसको क्या करना है, उसको तो एसेट बेचना है, बेचना सेलर जो है उसको, मतलब उसको तो उसको जो डिफरेंस देना है, बराबर। तुमको बायर का लॉस पता था कितना होने वाला है मैक्सिमम, तुम जब टोकन देते हो तुमको पता है तुम्हारा लॉस कितना हो सकता है, बराबर ना। सेलर का क्या, सेलर का पता होता है कि उसको कितना लॉस होगा, ये प्राइस तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, नहीं है ना? तो क्या बोलूँ, सेलर का लॉस तो कितना भी हो सकता है, मतलब जितना ये प्राइस ऊपर जाए उतना सेलर का लॉस, मतलब सेलर का मतलब जो जिसने टोकन, तुमने टोकन लिया ना मेरे से, तुमको मुझे एसेट बेचना है, ठीक है, तो वो तो तुमको, मतलब तुमको तो 1,000 रुपये बेचना है, पर उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो तुम्हारा तो नुकसान ही हो गया ना पूरा, तो वो नुकसान तुमको पता है कितना होने वाला है, तुमको तुम्हारा नुकसान पता होता है कितना होने वाला है? क्या मैं बोलूँ कि सेलर में लॉस इज अनलिमिटेड रहो ना, और इसमें क्या है, मैक्सिमम लॉसेस क्या, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू द टोकन अमाउंट, बराबर ना। लेकिन ये पुट में भी तो होता है ना, हाँ पुट हम में पुट भी पे तो आते हैं, मैं पे पहले हम हाँ बाय में पे आते हैं फिर पुट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा जी इसमें हो गया, अभी देखो दो अलग अलग चीजें समझो, ये पुट कॉल पूरा अलग है, मिक्स मत करो कि दोनों सेम है, ठीक ठीक है, है पूरा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे तुमको सिर्फ बायर प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, ठीक है, तुमको सेलर पर्सपेक्टिव नहीं सोचना है हमेशा, तुमको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया ना सेलर का पूछे, बट तुमको बायर का ही याद रखना, कि बायर का इजी है समझने को, सेलर का थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो जब तुमको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, बट तुमको बायर का ही समझना है कि बायर का कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, बराबर। तो वही सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तुम ज्यादा कितना कमा पाओगे, इज इक्वल टू टोकन अमाउंट, बराबर ना। तुमको मैंने 100 रुपये दिया, तुमको थोड़ी उसके बाद होने वाला है, हमारे पास एसेट है, ठीक है, तुमको मैंने टोकन अमाउंट दिया तो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, उतना ही, क्योंकि अगर भाव बढ़ गया, देखो भाव कम हो गया तो मैं तुमसे लेने वाला हूं नहीं, भाव अगर बढ़ गया तो तुम्हारा तो लॉस हो गया ना, भाव बढ़ गया तो क्योंकि मुझे उतने में ही बेचना पड़ेगा। तुमको तो उतने पे बेचना है ना, 1,000 रुपये ही बेचना है, कम हुआ तो मैं लूंगा नहीं तुमसे,
बढ़ गया तो तुमको तो 1,000 रुपये बेचना, तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? उसका जो रुपये मैक्सिमम लॉस होगा वो तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है? हाँ ये मैं सब मार्क कर दोनों एक अमाउंट, ठीक है? बायर का मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू टोकन अमाउंट, तो जो वही सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा, अभी बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? तुमने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक ऊपर कितना जा कितना सकता है? कितना भी भी आएगा ना, तो क्या बोलो, अनलिमिटेड। आ सकता है। अच्छा वही अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, हाँ, तो अगर बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाता है तो वही तो सेलर का क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस हो होगा जाएगा। अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। तो उल्टा कर पड़ेगा, ये प्रॉफिट, ये इसका लॉस, ठीक है? ये अनलिमिटेड लॉस इसका, ये रेयर मैक्सिमम लॉसेस टोकन अमाउंट, मैक्सिमम प्रॉफिट इस टोकन अमाउंट, ठीक है? और इसका, इसका अगर मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड तो इसका मैक्सिमम लॉस इज लॉस अनलिमिटेड, ठीक है? हाँ ये दोनों मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, टोकन अमाउंट, मैक्सिमम प्रॉफिट, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, तो इसका भी मैक्सिमम लॉस कितना होगा? अनलिमिटेड, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा हो गया फ्रॉम बायर परस्पेक्टिव। हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आ गए तो तुमको बायर का ही देखना है, क्योंकि बायर का अगर तुमको अमाउंट आ गया तो वो, उसको प्रॉफिट आया तो समझो सेलर का लॉस होगा, क्योंकि ये समझना इजी हो जाता है कि बायर का कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है? सेलर का थोड़ा ठीक कंफ्यूजिंग हो जाता है समझना, ठीक है? समझा? अभी तुम्हारा पुट पे आता है, ठीक है? पुट में क्या बोला था कि मैं तुमको मेरा एसेट दे दूंगा, ठीक है? बराबर, ठीक हाँ है? तो तुमको वो खरीदना है 1,000 रुपये, तुमको हाँ वो 1,000 रुपये खरीदना है। अभी ये प्राइस 3,000 हो गया तो पुट है, अगर मेरा प्राइस 3,000 हो गया मतलब एसेट का, तो हाँ क्या मैं तुमको बेचूंगा 1,000 रुपये, है नहीं, ना? तो अभी मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कितने लॉस हुआ का? 100 रुपये का। 100 रुपये, क्योंकि मैंने तुमको 100 रुपया दिया है। और अभी ये हाँ मैं एसेट बेचने नहीं वाला हूँ, ठीक है? नहीं, तुम मुझसे खरीद रहे हो, क्योंकि हाँ मैं तुमको दूंगा नहीं, मेरा जाने दो। तो ये हो गया, ये 100 रुपये बस दिया था कि बायर मेरे पास प्रेजेंट रहे। हाँ, बाहर तुम्हारे पास प्रेजेंट रहे, बराबर। अभी चलो, अभी इसका भाव हो गया 800 रुपया एसेट का, हाँ तो अभी अभी क्या करोगे तुम? तो बेचूंगा। अभी मुझे बेचोगे, ठीक है? हाँ तुम मुझे बेचोगे, या सॉरी मैं हाँ तुमको बेचूंगा, मैं बोला सार्थक नहीं, अभी तो तुम ले लेना ये। तुम कितने पे लोगे? 1,000 रुपये, ठीक हाँ है? मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 800 800। तो तुमको कितने का नुकसान होगा? तो मतलब क्या हो ना, 800 की चीज 1,000 रुपये ले रहे, वैसा ही हुआ ना, तुमको कितना नुकसान हुआ? यहाँ पे 200 का नुकसान होगा कि 100 का नुकसान 100 का होगा, ना, क्योंकि मैंने तुमको 100 रुपया भी दिया है। बट वो तो इंक्लूड होता नहीं है उसमें। नहीं, तो ये इंक्लूड हो जाएगा सब में, है ना? ये नॉन रिफंडेबल ना, ये मैंने तुमको दे दिया, ठीक है? ये मैंने तुमको 100 रुपया दे दिया आज के दिन पे, ठीक है? और कल अगर प्राइस कम हो गया तो तुमको मुझे कितना देना है, तुमको मुझे कितना देना है अभी वापस? 200 ना, हाँ लेकिन बट 100 तो मैं तुमको ऑलरेडी उसमें दे चुका हूँ, ठीक है, अब ये तो अगर 900 होता हाँ, तो कुछ भी ना देना तो कुछ भी होता, नहीं देना पड़ता ना, तुमको देना ना मुझे। मतलब हाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब और ये यही ऐसा अगर होता है, ये कैसा बात होता है, पहले तो ये होता है कि अगर प्राइस कम अगर तुम मुझे कितना दोगे, तुम मुझे 100 रुपया दोगे, बराबर? ये पहला कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट कितना हुआ 100 का, ये प्रॉफिट 100 का, बट मैंने सिर्फ तुमको टोकन भी दिया है तो फिर तभी माइनस होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है? ठीक ऐसा होता है कैलकुलेशन, ठीक है? हमेशा है। पहले ये कैलकुलेट करना होता है तुमको। अभी ये 950 हो गया तो मैं 50 के लॉस में होगा। ठीक हाँ, 950 हो गया तो 50 के तुम लॉस में होगे। है नहीं, 50 के तुम कैसे लॉस में होगे, मैं होगा ना? आप बेच रहे हैं। मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये एसेट खरीदना, ठीक है? और मैं तुमको 100 रुपया दिया है, ठीक है? तो ठीक अगर मैं तुमको बेच दिया, ठीक है, ये 950 में, तुमको तुमको कितना देना है मुझे अभी? मतलब डिफरेंस ना, हाँ तुमको 950, मतलब 50 तुमको तो क्या, तुम 1,000 रुपये की चीज 950 में खरीद रहे हो, नहीं, 950 की 1,000 में ले रहा हूँ मैं, क्या हुआ? 950 की चीज 1,000 में ले रहा हूँ। हाँ सॉरी, 950 की चीज 1,000 में ले रहे हो, सॉरी, हाँ, हाँ 950 की चीज 1,000 में ले रहे हो, तुम्हारा कितने का लॉस हुआ? 50 का 50 का तुमको लॉस हुआ, और मैं तुमको कितना दिया था? 100
मुझे वापस देने पड़ेंगे 50। नहीं, मैं तुमको 100 दिया था ना, हाँ तो मेरा कितना प्रॉफिट? मेरा तो लॉस हुआ ना 50। हाँ हाँ वही -50 हाँ, माइनस 50 है ना मेरा लॉस, तो प्रॉफिट। तुम्हारा भी प्रॉफिट उतना ही 50। तुम्हारा हाँ भी 100 रुपये पचास प्रॉफिट नहीं हुआ कि तुमको मुझे 50 रुपये वापस देने हैं। ठीक है, तो ठीक अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज, तुम बताओ मेरे को, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या नहीं? मैं तुमको बेचूंगा, बेचोगे ना कि मेरा लॉस कम हो रहा है ना अभी? वरना अगर मैं तुमको बोला नहीं, मैं तुमको नहीं बेचूंगा 950 पे, तो मेरा तो लॉस 100 रुपये है, ऑब्वियसली मैं मेरा लॉस कम करूंगा। तो जब भी प्राइस ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के नीचे जाए पुट में, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस, मतलब मैं तुमको तो बोलूंगा कि सर तक अभी मेरा घर ले लेना। ठीक है, क्योंकि तो अभी मैं, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा ना 100 रुपये का। तो अभी राइट टू सेल, तो इसमें वापस एक बायर भी होता है, मतलब एक जो देने वाला होता है, तो दूसरा खरीदने वाला भी तो होता ना। अभी इसमें बायर और पुट है, मतलब मैं तुमको क्या, देखो दो ये मैं बाइंग और पुट ही बोलता हूँ, बट यहाँ पे लिखा सेल है तो उस पे मत जाना। ये सिर्फ एक क्या बोलता है, टोकन अमाउंट जैसा, इसके इसके बोलते हैं राइट टू सेल, मतलब मैं तुमको राइट दे रहा हूँ कि मेरा, बट वो उसको बाइंग ही बोलते थे, बाइंग और पुट, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट ही बाई किया ना। ये क्या था जो बाइंग बोलते ना, कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है। और ये तुम्हारा क्या था, ये जो राइट टू सेल में ऐसा कि मुझे सेल करना है, ठीक है, ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं एग्रीमेंट किया है हमने तुमसे, मैं तुमसे एग्रीमेंट किया है कि सर तक तुम मुझसे ये घर खरीद के लोगे। ठीक है, तो उसको मैं बोला कि सेलिंग अपुट नहीं बोलते उसको, उसको भी बाइंग अपुट ही करते हैं, मतलब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बाई किया दोनों ने मिलके। ठीक है, मतलब मैंने बाई किया तो तुम एक सेलर हो ठीक है उसमें, क्योंकि मैं तुमको पैसा दिया ना, जो पैसा देता है उसको बायर बोलते हैं, जो टोकन अमाउंट देता है वो कॉन्ट्रैक्ट का हकदार होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, मैंने, तुम तो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, तुम तो एक ब्रोकर टाइप्स हो मेरे सामने, बराबर। तुम्हारा तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं इसमें, मतलब तुम मेरे हिसाब से करोगे ना जो भी, मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट बना के मतलब दे दिया। जो बायर होगा टोकन अमाउंट तो वही देगा। हाँ, टोकन अमाउंट वो देगा, तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का बायर होगा। तभी दो दो टाइप के बायर होते हैं, एक कॉल वाला बायर होता है, एक पुट वाला बायर होता है। एक तो मैं कॉल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे तुम बोलते हो कि मैं तुमको एसेट बेचूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुमको लगा कि ये तुम मेरे एसेट खरीदोगे मेरे से, ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें था बायर, मतलब मैं तुमसे एसेट खरीदूंगा। ठीक है, बाइंग, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था बाइंग का, कि मैं तुमको बोला है कि मेरा एसेट तुम खरीदोगे ना, हाँ सही बोला आपने पहले और ये पुट जो है उसमें तुम, कि मेरा एसेट तुम खरीदोगे, ठीक है, इसमें सर इसमें बाय करोगे, मैं तुमसे एसेट बाय करूंगा, तुम्हारा एसेट है, मैं तुमसे बाय करूंगा। पुट में होगा कि मैं तुमसे मेरा एसेट तुमको बेचूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंग और सेलिंग में। यहाँ पे मतलब एक तरह से सेलर को, जो सेलर होता है उसको फ्रीज देखो करते इसमें हैं, और ना, कॉल वाले में इसमें ना बाइंग और पुट में, बाइंग में जब भी होता है, इसमें ना ओनर कौन है, तुम, ठीक है, मतलब किसका ओनर, कॉन्ट्रैक्ट का ओनर तुम हो। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, कॉल में क्या होता है कि तुमको कोई एसेट खरीदनी है ठीक है फ्यूचर में, ठीक है, तो तुम ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, कॉल का, कॉल इज एक्सपेक्ट अ प्राइस टू इंक्रीज। ठीक है, तो तुम इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या करोगे, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि सर तक प्राइस जो भी हो तुमको मुझे एसेट बेचना है, वो कॉल होगा। ठीक ठीक है। है, हाँ पुट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसमें तुम बोलते हो, उसमें मैं बोलता हूँ कि सार तक मार्केट में प्राइस जो भी हो तुम मुझसे एसेट खरीदोगे। ठीक है, तो यही फर्क है दोनों। ठीक है, उसमें कॉल वाले में जो है वो उसमें सेलर नहीं, बायर फ्रीज होता है, इसमें सेलर फ्रीज करता है, टोकन अमाउंट देंगे। जैसे नहीं सॉरी, क्या वो वापस बोलो। कॉल वाला है बाइंग अ हाँ, कॉल, तो उसमें हम जो है बायर को फ्रीज करते हैं, टोकन अमाउंट देके कि मुझसे इतने में लेना। हाँ, और पुट में जो होता है इसमें हम सेलर को फ्रीज करते हैं कि इतने इतने में ही लेना, मतलब में ही लेना है। हाँ बराबर, तो ये हाँ इतने में मैं बेचूंगा। तुम बेचोगे, इतने में तुम बेचोगे, और हाँ तुमको तो सेलर को लेना है इसमें। ठीक है, हाँ मतलब सेलर, उसमें सेलर नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है कि तुमको ये लेना है, खरीदना है।
है तुम ठीक सिर्फ बाइंग के हिसाब से ही सोचना, सेलिंग के हिसाब से मत सोचना, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। बायर है। का जो भी है, तुम कब लोगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम ऑप्शन है ना, तुम कब लोगे हाँ कॉन्ट्रैक्ट, जब प्राइस बढ़ेगा जब तब कॉल लोगे बराबर, और जब घटने वाला होगा तब क्या करोगे तुम, पुट तो पुट लेंगे। ले लेगा। तो ये सेलर का, तो जब बायिंग का आंसर आ जाएगा तो उसको उल्टा करना है सेलिंग का, ठीक है? ठीक है, तो अभी तुमको बताओ। अच्छा एक तुम्हारा इसमें वापस मैक्सिमम लॉस कितना होगा, एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाता है, मतलब वही बायर, उसका मैक्सिमम हाँ लॉस कितना होगा? प्राइस गो डाउन तो मैक्सिमम देखो अभी लॉस इसमें टोटल वापस अमाउंट वापस ये है कि तुमने मुझे, मैंने तुमको क्या दिया है सर, तुम अभी तुम हो, ठीक है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तुम क्या बोलते हो ऋषभ सर कि मार्केट में प्राइस जो भी हो एक महीने बाद मैं तुमको ये एसेट 1,000 रुपये में बेचने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, तो तुम बताओ कि अगर ये 1,000 के ऊपर, उसके लिए तुमने मुझे 100 रुपया दिया, ठीक है, अगर ये 1,000 के ऊपर गया तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं ना, 1,000 पे बेचोगे क्या? नहीं नहीं ना, ये हो गया 1,500 रुपया, बेचोगे? तुम्हारा नहीं लॉस कितना हो गया इसमें? 100 रुपये 100 रुपये। और अगर ये तो क्या बोलो, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 100 बराबर ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसका मैक्सिमम लॉस हमेशा टोकन अमाउंट ही होगा, टोकन होता अमाउंट ही होगा, बराबर बराबर है। ना। मतलब ये प्राइस कल उठ के 10,000 भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा हाँ लॉस तो 100 ही होने वाला है ना, बराबर। हाँ अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा तुम्हारा? अच्छा इसमें तुम्हारा प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है या घटता है? क्या घटता घटता है प्राइस है ना, तो वेल गो मैक्सिमम डाउन ये प्राइस कितना जा सकता है नीचे? मैक्सिमम कितना जा सकता है नीचे 100 हाँ नहीं, ये जो राइट जो तुम्हारा एसेट का प्राइस है, मैक्सिमम हाँ नीचे कितना जा सकता है? चलो अगर मैं बोलता हूँ कि 800 रुपये हो गया, ठीक है, एसेट का भाव, तुम्हारा ठीक प्रॉफिट हो गया है है ना, चलो हाँ तो 500 जा सकता है, हाँ 0 हो सकता है, हो सकता है नहीं ना, नेगेटिव हो सकता है क्या, -100? नहीं ना, मैक्सिमम कितना जा सकता है ये स्टॉक? जीरो मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो तुम इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हो पुट में, मतलब अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो तुमने क्या बोला कि सर प्राइस जो भी हो तुमको मुझे 1,000 रुपया देना है, बराबर, मुझे तुमको 1,000 रुपया देना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा नीचे? 0 जीरो ना, तो मैक्सिमम मैं तुमको कितना पैसा दूंगा? 1,000 1,000 ही ना, मैक्सिमम तो मैं 1,000 ही दूंगा, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस देना ना, कि मुझे खरीदना है एसेट तुमसे, अभी मार्केट में रेट चल रहा है 0 और मैं तुमको 1,000 रुपये में खरीदा, तो मेरा नुकसान कितना हुआ? 1,000 का, बराबर, तो मेरा नुकसान, तो तुम्हारा, तो मेरा प्रॉफिट हाँ, तो मेरा प्रॉफिट, तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? क्या बोलू, स्टॉक जो अभी इसको जो बोलते हैं 1,000 माइनस तुम्हारा, अभी क्या बोलो, स्टॉक प्राइस, अगर मैं स्टॉक प्राइस जो भी था, स्टॉक प्राइस अभी जो 1,000 है ना, 1,000 जो 1,000 थे ना, जो हमने 1,000 का किया, उसको हमने क्या प्राइस बोला था, याद है तुमको? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो बोला था ना फर्स्ट में तुमको बोला था, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस नहीं, स्पॉट मतलब आज का, अभी ये जो होगा ना आगे, जो मैंने बोला ना 4,000, ये स्पॉट प्राइस हो गया, ये जो 1,000 है जो फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्राइस प्राइस, या अभी मार्केट में हम उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मार्केट स्ट्राइक ये बुक्स में एक्सरसाइज दिया है, बट स्टॉक मार्केट में हम उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस, तो ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है, तो उसको वो इसमें ना स्ट्राइक प्राइस वो तुम्हारे बुक में उसको ऐसा डिनोट किया एक्स है, हाँ डिनोट किया एक्स है, तो तुमको ये फॉर्मूला होगा ना उसमें था, ये एक्स क्या था, एक्स एक्स माइनस तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बोलो, तुम्हारा मैक्सिमम 1,000, बट तुमने ये भी तो दिया है ना,
मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, एक्स माइनस एस माइनस द टोकन अमाउंट, ठीक है, वो टोकन अमाउंट। अभी मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारा क्या इधर ही लिखता हूँ मैं, 1,000 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तुम्हारा, और तुमने मुझे कितना 100 रुपये दिया है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 900, बराबर, मैक्सिमम प्रॉफिट 900। तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा 900 है तो मेरा लॉस कितना होगा, उल्टा सेलर का क्या होगा, सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना होगा टोकन अमाउंट, और मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये 1,000 माइनस 100। तो क्या मैं बोलूँ, ये स्ट्राइक प्राइस, अगर मेरे को स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस टोकन अमाउंट, बराबर, ये तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होगा, बराबर, मेरा ये तुम्हारा भी मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा, स्ट्राइक प्राइस मतलब 1,000, और जो भी तुमने जो भी ऑप्शन भरा है वो माइनस द टोकन अमाउंट, ठीक है, समझा। तुमको समझा। सिर्फ बायर का ही याद रखना है, सेलर का अपने आप आ जाएगा, उल्टा करोगे तो उसका आ जाएगा, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है तुमको, और सेलर मतलब सेल नहीं होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का सेलर होता है वो, इतना एसेट में कंफ्यूज मत करना, पर सेलर ऑफ अ पुट मतलब उसने एसेट सेल कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है, कॉल अलग है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट कब लेते हो, व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज, तो आप हाँ एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज लेते हो, ठीक है, टू इंक्रीज, और ये है व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू डिक्रीज, ठीक है, एक्सपेक्ट द प्राइस टू डिक्रीज, ये याद रखना, तो ये बाय और पुट जो होता है नॉर्मल स्टॉक्स में अवेलेबल होता है या कमोडिटीज में ही होता है? अच्छा, ये सब में होता है, स्टॉक्स में भी होता है, कमोडिटी में भी होता है, मेन तो स्टॉक्स में ही होता इंडेक्स है, कमोडिटी में भी होता है, इन अच्छा। कमोडिटी में अभी अभी है, पहले नहीं थे, अभी अभी है, पहले कमोडिटी में सिर्फ फ्यूचर्स ही था, फॉरवर्ड ही था, मतलब फ्यूचर फॉरवर्ड ही थे। अच्छा अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें क्योंकि ना अमाउंट वो बहुत ज्यादा कम होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, कि फ्यूचर में तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया ना, इसमें देखो ना, 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, तुमको ऑप्शन से 100 रुपये भरने, और अभी ये इसमें लॉट्स में हो जाएगी, इसमें फ्यूचर में ना बहुत बड़ा लॉट होता है, इसके होता है ना, फ्यूचर बहुत रिस्की है, फ्यूचर इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट वन, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लेता है वो, पता ना मार्जिन जो हमने किया था, तुमको बहुत हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, इसमें ज्यादा नहीं रखना पड़ता, इसमें तो तुमको पता है ना हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, तुम पता होगा कि मेरा 100 रुपया जाने वाला है, और तुमको पता है उतना ही जाएगा उससे, पर अगर तुम फ्यूचर में जाओगे तुमको क्या पता स्टॉक कितना किधर जाएगा, है ना, जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तुमको थोड़ी पता है कि स्टॉक कल क्या होने वाला है, ये 1,000 का कल 2,000 भी हो जाए, जीरो भी हो जाए, इसमें कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसके तुम पहला मुझे सेफ, खुद को सेफ कर लेते हो, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस आर आल्सो वन टाइप ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हेजिंग, इसमें भी तुम्हारा हेजिंग होता है, तुम्हारे पास अगर स्टॉक है तुमने क्या खुद को सेफ कर दिया ना, बराबर, तुम्हारे पास चलो अब आज गोल्ड है, ठीक है, तुमको क्या लगता है प्राइस कम होगा बढ़ेगा, क्या डर है तुमको, तुम्हारे पास आज गोल्ड है, ठीक है, ठीक है, तुमको क्या डर है प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, कम आज मेरे पास है अगर तो मेरा डर है कि कम होगा। होगा ना, तो कम होगा, तुम एक बाइंग कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे या सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे, मतलब बाय कॉल बाय करोगे या सेल बाय करोगे, अब पुट बाय करोगे, गुड बाय करूंगा। और उसमें तुम क्या, मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट में आओगे बताओ, तुम्हारे शब्द में बताओ कि तुम मेरे साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट में आओगे, मैं राइट टू सेल करूंगा एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। हाँ हाँ तुमने 1,000 रुपये लिया है ना, तुमको मैं बोल रहा हूँ तुमने 1,000 रुपये लिया है, तुम क्या बोलोगे, हाँ मुझे ये डर है कि इसका प्राइस जो है कम ना हो जाए, तो तो तुम, इसके लिए मैं आपको टोकन दूंगा हाँ 100 रुपए का कि हाँ इसका प्राइस क्यों नहीं, मुझसे आप 1,000 रुपए में ले लीजिए। हाँ तुम बोलोगे कि मुझसे 1,000, मतलब 1,000 रुपये में लेना, अगर इसका प्राइस कम हो गया तो मैं तुमको 1,000 रुपये पे बेचूंगा, बराबर, हाँ ये तुमने मुझे टोकन दे दिया कि सर अगर प्राइस नीचे जाता है तो तुमको वो मुझे 1,000 रुपये देना है, प्राइस जो भी हो,
हाँ कितना भी जाए, बट अगर बढ़ता है तो मैं बोलूंगा, अगर बढ़ता है तो तुम बोलोगे सर मैं आपको टोकन दे रहा ना, तुम्हारा हाँ टोकन तुम्हारा, अगर बढ़ गया तो मैं नहीं बेचूंगा, मेरा एसेट हाँ है, पढ़ेगा तो नहीं। तुम्हारा एसेट है, हाँ तुम बोलोगे तुम, मैं नहीं बेचूंगा, यही डर है कि मैं ये गर, तो तुमने क्या किया, तुमने तुम्हारा लॉस हेज कर दिया, ठीक हाँ है, और तुमको पता है कि चलो 100 रुपए ही मैंने दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा नुकसान 100 रुपए ही होगा, उससे ज्यादा नुकसान, क्योंकि ये प्राइस अगर 20% का गिर गया तो तुम्हारा तो 200 रुपए का नुकसान होगा ना ना। आइडियली अगर हाँ तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, पर तुम तुम्हारा हेज कर दिया कि चलो कि सर तो लेने वाले, मेरे को तो फिर, मैं तो, मेरे को डर ही नहीं कल की स्टॉक गिर गए तो, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने बाय ये पुट बाय किया है। नहीं पुट बाय नहीं, अभी ऐसा मत चलो पुट बाय, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे साथ, वो पुट बाय ना कंफ्यूज हो जाता है, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये करना। ठीक है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है बाय पुट का, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सोने का भाव नीचे गिरता है तो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ कि मुझसे 1,000 रुपये लेना, हाँ लेकिन उसका अगर भाव गिर गया तो मुझे 1,000 रुपये में क्यों लेगा मुझसे? क्योंकि अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तुमने मुझे 100 रुपया दिया है, वो उसके लिए मतलब कंपलसरी है कि अब वो कंपलसरी लेना है। कॉन्ट्रैक्ट। हमने टोक अच्छा अभी हाँ हमने हाँ टोकन की बात की ना, कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने क्या टोकन दिया ना, ठीक टोकन दिया है ना ठीक हमने, ठीक ठीक है ठीक ना, इसके लिए मैं लेऊंगा, इसके लिए मैं लूंगा, क्योंकि मैंने ठीक तुमसे ठीक पैसा लिया है, ठीक हाँ ठीक है, मैंने वो चीज का पैसा लिया है ना, है हाँ इस चीज का, समझा। कि अगर प्राइस घट गया तो मैं तुमसे लूंगा, वो चीज का मैंने तुमसे पैसा लिया है, ठीक है, इसके लिए मैं लूंगा ना, बराबर है, मैं क्यों लूंगा ना प्राइस घट गया तो, बट सिंस तुमने मुझे तो, ऐसे ही होता ना मार्केट में जाओ तुम, तुमने अगर घर का टोकन दिया तो किसी और को घर दे सकता है क्या, वो नहीं लीगली तो नहीं दे सकता, ठीक है, हाँ बराबर ना, टोकन दिया तो तुमको ये घर बेचना पड़ेगा ना, भले पता नहीं ना ऐसा, चलो आज तुमको तुम्हारा घर बेचना है, ठीक है, तुम्हारा घर चलो 50 लाख का है, तुमने आज, मैं माया कि सार्थक मुझे तुम्हारा घर देना, मैंने तुमको 1 लाख रुपए टोकन दे दिया कि सार्थक मुझे ये घर तुमसे 1 लाख रुपए मतलब 50 लाख में लूंगा, आज मैं तुमको टोकन दे दिया, अभी कल दूसरा कोई बायर आया बोला कि नहीं मैं तुमको 60 लाख दूंगा, तो तुम उसको नहीं दे सकते, ठीक है, समझा ना, हाँ तुम्हारा घर उसको समझा। अभी लीगली तो तुम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया ऑलरेडी, जब मैं तुमको पैसा देता हूँ ना तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि सारदा 1 महीने बाद तुम मुझे ये घर 50 लाख में बेचोगे, फिर उसका भाव कम भी क्यों ना हो जाए, अगर कम हो गया भाव तो मैं बोलूंगा नहीं चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं, तुमने सिर्फ साइन किया है, तुमको क्या है, तुमको ऑब्लिगेशन है सेल करने को, मैं तुमको पैसा दिया है तो मेरे पास राइट है तुमसे बाय करने को, ठीक है, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो बाइंग अ पुट सेलिंग अ पुट छोड़ दो, बाइंग अ ठीक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन, और बाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप, उसको कॉल बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ठीक है, तो मैंने ना स्टूडेंट से, स्टूडेंट सर सेल अ पुट मतलब तो हमने सेल कर दिया ना, सेलिंग अ कॉल मतलब तो क्या सेल हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये तो याद ही मत रखना, सेल अ पुट सेल अ कॉल क्या है, सिर्फ बाइंग ही याद रखना, तुमको हमेशा बायर परस्पेक्टिव से समझना है, ठीक है, अभी से वो वर्ड ना, अभी टोकन अमाउंट को बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, मैं यहाँ पे तुमको देता हूँ कि टोकन अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, अभी से ये अलग अलग वर्ड है, टोकन अमाउंट, ठीक है, हम टोकन अमाउंट सुनेंगे तो हमको सीधा याद आता है, क्योंकि हम ये सब करते हैं रेगुलरली, अभी ऑप्शन प्रीमियम बोला तो हमको समझेगा नहीं क्या होता है ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम इस टोकन अमाउंट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू था उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, अगर पता 1,000 था प्राइस जो था एक्सरसाइज प्राइस, ओके, जो 1,000 था, 1,000 वॉस 1,000 वॉस मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वॉस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, और अच्छा, और जो ये प्राइस था एट द एंड, ठीक है, एट द एंड में जो प्राइस था वो था तुम्हारा एक्सपिरेशन प्राइस, ठीक है, एक्सपिरेशन प्राइस, और जो स्पॉट प्राइस होता है, एक्सपिरेशन प्राइस बोल दो, प्राइस एट द एंड, प्राइस आफ्टर 1 मंथ या जो भी है, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ,
या जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर द, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका, ठीक है, एट क्या मिल रहा, प्राइस एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब जो भी प्राइस हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बाद होगा, प्राइस आफ्टर द, प्राइस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है, जो भी प्राइस एक्सपेक्ट मतलब एट द एंड। और इसमें एक स्पॉट प्राइस जो तुम बोल रहे थे ना, स्पॉट प्राइस, करंट प्राइस, करंट प्राइस, स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू करंट प्राइस, ठीक है। अभी ना इसमें मतलब पूरे इसमें मैंने करंट प्राइस का किधर जिक्र किया है, आज का क्या प्राइस है, नहीं। आज का प्राइस मैंने इसमें किधर भी जिक्र नहीं किया है। वो रीजन था क्योंकि मुझे तुमको समझाना था कि क्या है, क्योंकि आज का प्राइस लेना देना नहीं है तुमको, क्या लेना देना, तुमको एक्सरसाइज प्राइस से लेना देना है, ठीक है, आज के प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। तुम एक महीने बाद जो भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद होने वाला ना, तो उस दिन जो प्राइस है वो प्राइस को तुमसे लेना, वो प्राइस और तुम्हारा एक्सपायरेशन प्राइस, दिस आर टू इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे तुमको तुम्हारा प्राइस समझेगा, ठीक है, ये दो हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये तुमको याद रखना है, ठीक है, मतलब एक एक्सरसाइज वैल्यू, तुम्हारा एक्सरसाइज वैल्यू हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया जो तुमको ध्यान रखना है, और दूसरा हो गया कि एट द एंड तुम्हारा प्राइस क्या था, इसका ही डिफरेंस होगा ना सब में, सब में तुमको एक्सरसाइज प्राइस देखना कि अगर प्राइस बढ़ रहा है क्या एसेट का, अगर नहीं बढ़ रहा तो तुम एसेट बेचोगे ही नहीं, ठीक है, या खरीदोगे नहीं, ठीक है। तो ये स्पॉट प्राइस ज्यादा यूज नहीं होता अभी, स्पॉट प्राइस एक दूसरे चीज के लिए यूज होता है, वो ऑप्शन को बोलने के लिए कि वो इन द मनी है आउट ऑफ द मनी है, पता है वो एट द मनी, ठीक है। अभी स्पॉट प्राइस का यूज होता है, स्पॉट प्राइस इज यूज ओनली फॉर डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली फॉर डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अभी बता दो क्या है डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये समझा कॉल पुट समझा, अभी हम मैं इसको तुमको आंसर दो मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस का, ठीक है, यहाँ पे ही क्वेश्चन है, ठीक देखना मतलब अभी आंसर देना इसका, क्या पढ़ो क्या है, Suppose that both call option and put option have been written on a stock with an exercise price of $40. The current stock price is 42 and the call and put premiums are 3 and 0.75 respectively. Calculate the profit to the long and short positions for both put and call with an expiration date. Stock price of $35 and will be the price at expiration of $43. तुमको यहाँ पे कौन से प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज और एक्सपायरेशन एक्सरसाइज प्राइस क्या है, पहले एक्सरसाइज प्राइस क्या है, जो तुमका कॉन्ट्रैक्ट था, तो $40 ये था पहले, तो हाँ मैं लिखू यहाँ पे $40, ठीक है, तुम्हारे लिए लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, मतलब ठीक इस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ बराबर, तो हाँ इस पे अभी बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा, कॉल वाले या पुट वाले को, बढ़ेगा तो कॉल वाले पर तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन प्राइस लगा, ठीक है, पहले ये एक्सप्रेशन प्राइस लिख रहा, क्या था पहले वो किया है, एक्सप्रेशन प्राइस क्या है, क्या बोला उसने, कैलकुलेट द लॉन्ग एंड पोजीशन पुट विद द एक्सप्रेशन डेट, स्टॉक प्राइस पहले एक 35 बोला और एक दूसरा बोला है 43, मतलब दो 43 ऑप्शन दिए, ठीक है, हाँ पहले एक 35 बोला है, दूसरा एक 43 बोला है, तो पहले हम 35 से करते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है, ये 40 है, ये 35 है, ठीक है, अभी चलो कॉल की बात करते हैं, कॉल पहले कॉल ऑप्शन की बात करें, कितने में लिया उसने कॉल, देखो कॉल एंड पुट रिस्पेक्टिवली का मतलब पता ना क्या होता है, तो कॉल मतलब कॉल एंड पुट तीन तो 3, और तो कॉल जीरो का पॉइंट प्रीमियम कितना है सेवन 3 रुपया, और हाँ इसका प्रीमियम कितना है पुट का, 0.75
तो हम पहले कॉल का टोकन अमाउंट लेते हैं, ठीक है? कितना था टोकन अमाउंट कॉल का? 3 डॉलर। डॉलर देखो, तो तुमको बताओ ये सिनेरियो में क्या हो गया है, कॉल वाले को फायदा है या नुकसान है? पहले बात तो ये करो, कॉल वाले को फायदा है नुकसान है इसमें? प्राइस इसमें एक्सरसाइज प्राइस है क्या हो गया है? 40, 35 हो गया है, लेकिन तो इसमें मेरा लॉस है। तुम मुझे बताओ कि हाँ किसका लॉस है? अच्छा जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है पहला अभी हम हमेशा बाइंग अ कॉल, ठीक है? बाइंग अ कॉल, ठीक हमेशा बाइंग, हमेशा सेल भी पूछा तो अभी बाइंग अ कॉल से चालू करने का, ठीक है? कितने पे कॉल बाय किया? क्या क्या टोकन दिया तुमने मुझे? 3 रुपया, ठीक तीन। है? और हाँ तुमने मुझे क्या बोला है कि ठीक, इसका एक्सपायरेशन प्राइस 35 हो गया। हाँ नहीं? हमने तो इस पे किया ना, 40 पे किया ना, बनता फोर्टी किस पे पे किया, किया है? फोर्टी 40 पे कॉल पे किया कब लेते हो? व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू, गोवा भी, तो क्या हुआ है प्राइस? वो नीचे चला गया है, मेरा तो नीचे गया, तो क्या होगा अभी इसमें? टोकन टोकन अमाउंट जितना लॉस अमाउंट होगा जितना लॉस होगा, तो बायर का कितना लॉस हुआ? कॉल तीन, बाइंग का लॉस है तो सेलर सेलर का का क्या हुआ? प्रॉफिट। सेलर का प्रॉफिट, तो क्या बोलो, बाइंग अ कॉल तो मतलब बायर प्रॉफिट इस कितना? 3 रुपया, सॉरी बायर्स लॉस, बायर्स लॉस, लॉस हुआ ना बायर को क्योंकि हाँ प्राइस लॉस, घट गया है। हाँ लॉस इज 3 डॉलर्स, बायर्स लॉस इज 3, तो वही सेलर ऑफ अ कॉल, सेलर सेलर्स प्रॉफिट है ना, सेलर्स प्रॉफिट इज 3, है लॉस माइनस। अभी ये एक सिनेरियो था, सिनेरियो वन, ठीक है? कि जहाँ पे जहाँ पे एक्सप्रेशन प्राइस 35 था, अभी लोगों ने और एक सिनेरियो किया है जहाँ पे उसका एक्सप्रेशन प्राइस कितना, वो लोग ने बोला है, वो लोग ने बोला है इसका एक्सप्रेशन प्राइस कितना था? 43, ठीक है? अभी बताओ अभी क्या हुआ है, किसको प्रॉफिट हुआ है? मतलब तुमको तो बाइंग के हिसाब से बात करना है, सेलर का तो नहीं। क्या हुआ है, प्राइस क्या हो गया? व्हेन यू एक्सपेक्ट टू बाय द प्रॉफिट, प्राइस, बट अभी प्रॉफिट हुआ है बाइंग कितने का प्रॉफिट हुआ है? हाँ कॉल 3 रुपए को, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, नहीं बट प्रॉफिट 0 का होगा। जीरो का ना, क्योंकि टोकन भी तुमने 3 का दिया है ना। यहाँ पे भरा प्रॉफिट तो हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट तो हुआ, हाँ, बट वो न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि तुमने लेकिन ऑलरेडी, नहीं इसपे शायद 0.75 है ना। नहीं अभी तो कॉल का ही कर रहा ना, दो दिया है, दो चीज दिया है, दो एक्सप्रेशन प्राइस है, एक 35 दिया है, एक 43 दिया है, तो अच्छा, ठीक तुमको दोनों के हिसाब से करना है, ठीक है? मतलब एक हाँ, सिनेरियो में तो 40 35 प्राइस था, एक सिनेरियो में 43 प्राइस था, ठीक है? तो इसमें क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट इज 0, तो बायर प्रॉफिट भी 0, बायर लॉस भी 0, बराबर? मतलब सेलर का हाँ लॉस भी 0 होगा, बराबर? मतलब किसी को कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बराबर ना? क्योंकि ठीक है मैं तुमको बोला ना कि ठीक है तुम मुझे ये अभी 43 में तुम खरीदोगे मेरे पास है, पर मैं तुमको 3 रुपये तो दिया है, तो प्रॉफिट कुछ होगा नहीं, ठीक है? ये हो गया सिनेरियो बाइंग का। अभी सिनेरियो जाते हैं हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अभी ये बाइंग का कॉल था, अभी हम जाते हैं बाइंग का पुट के हिसाब से, ठीक है? बाइंग का पुट, बाइंग ऑफ पुट के हिसाब से वो क्या बोलता है, पुट का कितना बोलता है? अच्छा एक्सप्रेशन प्राइस तो सेम ही है, ठीक है? बट पुट का मतलब प्रीमियम बोला था 0.75, ठीक है? अभी एक में था एक्सप्रेशन प्राइस हुआ था 35 ना, एक में एक्सप्रेशन प्राइस था 35। अभी क्या हो गया प्राइस, व्हेन यू बाय अ पुट, यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन, तो अभी तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट आ कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 4.25 का। 4.25 का। बायर को प्रॉफिट हो गया तो सेलर का, लॉस बायर प्रॉफिट 2.5 तो सेलर का लॉस, तो वो तुमको सेलर से प्रस्पेक्टिव सोचना ही नहीं है, बायर के प्रस्पेक्टिव सोचना है, ठीक है? सेलर लॉस, ठीक है? अभी सिनेरियो टू, ये इसमें था एक जार, इसमें एक्सपेक्टेशन प्राइस 35 था, अभी एक में था उसका एक्सपेक्टेशन प्राइस था 43, तो क्या हो गया अभी? अभी इसमें बाइंग अप पुट है तो प्राइस नीचे है, लेकिन ऊपर है तो लॉस, तो 2.25 का लॉस, सिनेरियो अभी क्या हुआ? देखो टू पॉइंट टू फाइव इंक्रीज का ये लॉस। टोकन अमाउंट है,
हाँ तो टोकन अमाउंट में तुमको क्या टोकन अमाउंट से ज्यादा लॉस हो सकता है? अच्छा हाँ नहीं नहीं ना, तुम नहीं हाँ करोगे क्या प्राइस एक्सरसाइज करोगे, बेचोगे क्या एसेट? नहीं, तुम क्या बोल रहे थे कि प्राइस कम हुआ तो नहीं बेचोगे ना, पर हुआ है क्या प्राइस कम? हाँ प्राइस नहीं हुआ है, कम नहीं तो बेचोगे क्या एसेट? नहीं नहीं ना, तो तुम्हारा कितना लॉस हुआ? ठीक .75। है, वो याद रखना, ठीक है, हमेशा माइनस नहीं करना है तुमको, ठीक है? हाँ पहले ये प्राइस देखना है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्या था, कि लिया क्यों है ये, प्राइस घटे इसके लिए, प्राइस घटा है क्या? प्राइस नहीं घटा तो सीधा सीधा ये तुम्हारा लॉस हो गया, बायर का लॉस हो गया, तो सेलर का, बायर का लॉस है तो सेलर का क्या होगा? प्रॉफिट ना, सेलर का था। अच्छा मुझे बताओ, इसमें अभी मैं तुमको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढू, ठीक है, ये सिनेरियो में तुमको मैंने दिया है, मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ये स्टॉक किधर जाएगा जब मेरा जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेशन प्राइस क्या होना चाहिए जब मेरा जीरो लॉस और जीरो प्रॉफिट होगा? इसी सिनेरियो में हाँ इसी सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पुट लिया है 0.75 का, मतलब मैंने तुमको क्या दिया है, टोकन दिया है, तो तुमने तुमने मुझे टोकन दिया है 0.75 का, बोला है कि सर अगर प्राइस नीचे जाएगा तो तुमको एसेट खरीदना है मेरे से, तुमको मैं कब पैसा दूंगा, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा, स्टॉक कितना नीचे जाना चाहिए, ब्रेक इवन कब होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस? अच्छा तुमको कब प्रॉफिट होगा? 40 -0.75। हाँ बराबर, 40 -0.75 तो 39.25 तक तो मुझे प्रॉफिट, तुमको प्रॉफिट ही नहीं होगा क्यों, तुमने उतना ऑलरेडी टोकन दे दिया है, 39 के नीचे जाएगा तो तुमको प्रॉफिट चालू होगा, ये तुम्हारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? और ऊपर ऊपर वालों और में कैसा होगा? ऊपर में क्या था, तुम बताओ ऊपर में क्या था, कॉल हाँ ये तो में क्या मुझे एक्सपेक्ट द प्राइस टू क्या इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। तुम्हारा प्रॉफिट कब चालू होगा, जब 40 के ऊपर जाएगा, बराबर? हाँ बट तुमने ऑलरेडी कितना पैसा दिया है, तो 43 होगा, 43 43। में तो ये आया ना जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, तो हमारा 43 ये क्या था, ये ब्रेक इवन पॉइंट भी था, अच्छा जब तक 43 के ऊपर जाता नहीं है तुमको वो बेच के कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं तुमको, तुम्हारा प्रॉफिट 43 के ऊपर गया है तभी ही प्रॉफिट होगा, ठीक है? अभी इसके ऊपर वाले में कैसे होगा? जैसे इसके ऊपर ये इसी इस पहला वाला सिनेरियो बाय कॉल में, जैसे हाँ क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस 40 है, हाँ इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? थर्ड, जैसे अभी बाय कॉल है तो आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप, हाँ तुम लेकिन नीचे चला गया है प्राइस। बताओ नीचे चला गया तो क्या होगा? चलो मैं बोलता हूँ 39 हो गया, ठीक है 39, तो इसमें नहीं, ऊपर वाले में। सेम है ना, कॉल ही है ना दोनों, तो अच्छा हाँ, अभी 39 हो गया तो क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा? तो मेरा लॉस एक सेकंड, अभी पहले तो तुमको ये सोचना है कि 39 हो गया है, तुम बेचोगे क्या एसेट? नहीं, नहीं ना, अभी बेचोगे तो मेरा 39 क्या, नहीं, अभी मेरा लॉस 3 का ही है। ठीक है, तुम खरीदोगे क्या एसेट? नहीं नहीं ना, तुमने नहीं क्या बोला था कि मेरे को प्राइस 40 रुपये पे खरीदेगा ना, हमने डिसाइड किया था ना 40 रुपये पे खरीदेंगे, तुम हाँ, खरीदोगे क्या एसेट यहाँ पे? 39 प्राइस का था, तुम 40 पे खरीदोगे क्या? नहीं। नहीं ना, देखो हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं तुमसे राइट टू बाय ना, मैं तुमको एसेट 39 40 रुपये पे खरीदूंगा, ठीक है, पर अभी भाव 39 हो गया है तो मैं खरीदूंगा क्या एसेट, नहीं तो मेरा लॉस कितना हो गया? जो 3 रुपए का। टोकन दिया वो गया है ना फिर, कि हाँ ठीक तुमने बोला था खरीदोगे, पर अभी तुम लास्ट मोमेंट पे मुंह फेर रहे हो कि नहीं खरीदना है, क्यों? क्योंकि है। प्राइस घट गया है, तो ठीक है तुम्हारा लॉस हाँ हो गया 3 रुपये, मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक हाँ है? तो अभी इसमें ब्रेक इवन, ब्रेक इवन क्या है, तुम कब खरीदोगे, जब ये ऊपर जाए तभी, 41 हो गया, 40 नहीं पे भी खरीदोगे क्या? मतलब खरीदोगे तभी, तुम्हारा तुमने 3 रुपया दिया है ना, तुमने खरीदा तो भी तुम्हारा लॉस तो 3 रुपया होगा, बराबर हाँ ना?
40 कैसे तुम 40 पे खरीदोगे, तुमने 3 रुपया भी तो दिया है ना मुझे, तो हाँ फायदा क्या होगा? कुछ नहीं ना, मुझे तो कुछ फायदा नहीं होगा, फिर तो इसका ब्रेक इवन फिर 43 होगा ना, होगा। हाँ चलो, अगर मैं बोलता कि एसेट 41 हो गया, ठीक है, धोखा तो भी 2 का लॉस है। लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि भले ये सिनेरियो में तुमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कि तुमको 41 का एसेट 40 में मिला है, ठीक है, तुमको प्रॉफिट तो हुआ है, बट तुमने 3 रुपये भी तो सामने भरा है, तो तुमको एक्चुअली कितना 2 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। अभी तुम एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, 44 हो गया, तो अभी प्रॉफिट तो प्रॉफिट है मेरा कितने का? 1 रुपए। 1 रुपये का, ठीक है, समझे? तो हाँ ब्रेक इवन हो गया 43। तो ये क्यों मैंने तुमको फॉर्मूला नहीं बता रहा था, क्योंकि ना देखो इसमें तुम क्या किया, तुमने ऐड किया ना एक्सरसाइज प्लस को, इस पे ऐड किया है, क्योंकि कंसेप्चुअल है कि तुमको प्राइस बढ़ रहा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट करने में क्या किया तुमने, ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज, तभी तुम एक्सरसाइज करोगे ना ऑप्शन, वरना तो लोगे नहीं, वरना मेरे को बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए एसेट तुम्हारा, मैं क्यों खरीदू 39 का एसेट, मैं क्यों 40 में खरीदू? तुमको अगर प्रॉफिट करना है ये सिनेरियो से, तो तुमको 43 के ऊपर जाना चाहिए। वैसे उल्टे में पुट में अगर प्राइस गिरता है तो तुमको प्रॉफिट होगा ना, टोकन बट कितना गिरना चाहिए? टोकन अमाउंट अमाउंट से ज्यादा गिरना चाहिए ना, कितना? ये तो तुमने भरा है मुझे। तुम्हारा प्रॉफिट कब चालू होगा? जब ये 40 का 30 का 40 हो गया, और 40 का 30 हो गया तब होगा ना, कि तुम वो 30 का एसेट 40 में बेच रहे हो, तुम्हारा 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया तो, बट तुमने 0.75 पे तो दिया था, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी इसमें और एक था, एक ना क्वेश्चन था, वो तुम सॉल्व करो। अच्छा हाँ, अभी इसको बाइंग को हमेशा बोलते हैं लॉन्ग, हाँ, और सेलिंग को हाँ हमेशा बोलते हैं बाइंग शॉर्ट, याद शॉर्ट। रखना, कि हमने इसमें भी किया था फॉरवर्ड में, बाइंग को लॉन्ग और सेलिंग को शॉर्ट। तो सेलिंग मतलब पुट सेलिंग नहीं हुआ, वापस याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग, ठीक है। तो इसमें भी तुम बोलते ना शॉर्ट पुट गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पुट, मतलब तुमने बाइंग का पुट नहीं होता है वो, ठीक है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बाय होता है और कॉन्ट्रैक्ट सेल होता है, स्टॉक बाय और सेल नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बेचना है या लेना है, ठीक है। तो बाइंग बनाए से शॉर्ट और पुट, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पुट बाय किया है, ठीक है। तो शॉर्ट और पुट आया तो हमेशा बाइंग और पुट के हिसाब से ही सोचना, ठीक है, समझे? जब हाँ भी तुमको क्वेश्चन है, तो अभी क्वेश्चन है ऐसा जहाँ पे वो शॉर्ट पुट की बात करता है, ठीक है, क्या यहाँ पे, हाँ अभी राइट भी लिखा है, राइट भी मतलब शॉर्ट ही हो गया, ठीक है, ठीक राइट और पुट, ठीक है, शॉर्ट पुट या राइट और पुट सब सेम है, मैं लिख के रखता हूँ। लॉन्ग मतलब बाय, ठीक है, शॉर्ट मतलब अभी चल बाय मतलब, बाय मतलब लॉन्ग, ऐसा उल्टा लगता, बाय मतलब लॉन्ग और सेल मतलब राइट भी होता है और शॉर्ट भी होता है, ठीक है, शॉर्ट लिखा, सेल मतलब शॉर्ट होता है और उसको राइट भी बोलते हैं, ठीक है। आई हैव, मैंने पुट राइट किया, ठीक है, राइटिंग, उसको राइटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, शॉर्ट किया तुमने, ठीक है। अभी शॉर्ट किया इसका मतलब ये मत करना कि उसने सेल किया है, ठीक है, वो ठीक सिर्फ एक है। ये कॉन्ट्रैक्ट में अलग वर्ड है, ठीक है। बीच में तुम मेरे को आंसर दो, क्या है ये? हाँ राइट सब पुट ऑप्शन में मैंने एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40 व्हेन द स्टॉक प्राइस इज 42 द ऑप्शन प्रीमियम इज $1 एट द एक्सपायरेशन द स्टॉक प्राइस इज 37 द इन्वेस्टर विल रियलाइज तो अभी ये द इन्वेस्टर इन्वेस्ट राइट है, मतलब ये इसने क्या किया, इसने पुट सेल किया है, ठीक है। हाँ तो तुमको सेलर के हिसाब से नहीं करना है, तुम बायर के हिसाब से करो, लॉन्ग पुट के हिसाब से करो। क्या था ऑप्शन, क्या था लॉन्ग पुट का, कौन से प्राइस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तुमको? लॉन्ग पुट तो ये तुमको कौन से प्राइस इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक्सरसाइज प्राइस और और एक्सपायरेशन प्राइस, ठीक है, तो मेरे को आंसर दो अभी, क्या होगा तुम बताओ आंसर। पुट है ना ये, लॉन्ग पुट बोला ना उन्होंने, तो लॉन्ग पे जाना, ठीक है, मतलब बाइंग और पुट पे, ठीक
बाइंग अ फोन मतलब आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन, तो गो डाउन, तो गया है प्राइस नीचे। एक्सरसाइज प्राइस है 40 और एक्सपायरेशन है 37, तो प्राइस तो नीचे गया है, प्रीमियम है एक का हाँ तो जो मतलब 3 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट होगा ना, मतलब हाँ, 2 का प्रॉफिट होगा। 2 का लॉस, हाँ मतलब ब्राइटन के लिए क्या होगा, हाँ 2 का लॉस। 2 का लॉस होगा। ठीक है, पुट बायर को प्रॉफिट हुआ ना, तो सेलर को क्या होगा, लॉस लॉस। होगा। बस यही था। अभी तुम सेलर के हिसाब से सोचने आओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बोला क्या है इसने। ठीक है ठीक है, समझे। अभी इसमें और एक कंसेप्ट था जहाँ पे समझाना, अभी है हमेशा हाँ बाइंग सही करना है कि बाइंग पुट कब बाय करते हैं, मैंने एक्सपेक्ट द प्राइस डिक्रीज, तो गिरा है क्या नीचे, गिरा है ना, तो तुमको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 3 का प्रॉफिट हुआ है, बट तुमने 1 रुपया भरा भी तो है प्रीमियम, तो कितना मिला तुमको, 2 रुपया। अच्छा अब अगर मैं बोलू कि बाइंग, अच्छा व्हेन यू बाय अ कॉल, व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू प्राइस को ना, तो एक्सपेक्ट द प्राइस इंक्रीज, टू इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अगर ये बाइंग अ कॉल एक्सपेक्ट द प्राइस टू इंक्रीज, सेलिंग अ कॉल क्या होगा फिर, तुम एक सेलिंग सेलर हो, कॉल तो सेल अ कॉल प्राइस शुड गो डाउन, गो डाउन, बराबर ना, कि बायर एक्सपेक्ट कर रहा है तो इंक्रीज है, तो सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है डिक्रीज है, कौन सा कॉल सेलर। ठीक है, एक्सपेक्ट द प्राइस टू डिक्रीज। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे लिख रहा, अभी हम पुट पे जाते हैं, बाइंग अ पुट क्या होता है, एक्सपेक्ट द प्राइस टू, गो अच्छा अगर बाइंग अ पुट मतलब गो डाउन है तो सेलिंग अ पुट क्या होगा, अप, गो अप, बराबर, तो यही करना है तुमको, तो गो अप। ठीक है, तो क्या बोलू कि बाइंग अ कॉल इज सेम एज सेलिंग अ पुट, दोनों में सेम ही है, बोल सकता हूँ मैं ऐसा। इंक्रीज हाँ और चलो मैं यहाँ पर ग्रीन ही कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रीन ही कर देता हूँ, और सेलिंग अ पुट और बाइंग, सेलिंग मतलब बाइंग अ पुट और सेलिंग अ कॉल मतलब सेम ही हो गया। अभी अगर यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है इंक्रीज, ठीक है, तो तुम क्या लोगे, तुम ये कॉल बाय करोगे या पुट सेल करोगे, दोनों दोनों में से कोई भी, में से कोई भी। ठीक हाँ है, ये दोनों में से कोई भी कर सकते, ठीक है, जब और व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू डिक्रीज, बट तुम बताओ सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, बाइंग में रिस्क है या सेलिंग में रिस्क है। मतलब लॉस तुमको किसमें पता होता है कि तुम्हारा कितना लॉस होने वाला है, सेलिंग में, सेलिंग में ना, सेलिंग में पता होता है कितना लॉस होने वाला है, मतलब ये टोकन अमाउंट जितना आइडिया रहता है, टोकन हाँ तो टोकन अमाउंट कौन देता है, बायर देता है सेलर देता है, में बाहर रहता है, मतलब बायर देता ना, टोकन अमाउंट कौन देता है, बायर, पुट कॉल में बायर रहता है, पुट में में सेलर भी, रहता है। पुट में कैसे सेलर देता है, पुट भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, पुट में भी अच्छा हमें बाहर देता है। पुट मतलब कोई सेलिंग नहीं है, पुट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट में तुम एक बायर हो, मतलब तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो बायर होता है वही पैसा देता है ना, तो पुट में भी तो, सेलिंग में तो सेलर जो होते हैं वो तो दूसरे साइड होते हैं ना, एक ठीक ब्रोकर है टाइप ठीक हो गया वो। ठीक है, है, उसको तो करना ही है जो तुम बोलोगे वो, बराबर, हाँ सेलर जो भी है कॉल में भी और पुट में भी सेलर, बाहर देता है। हाँ तो बायर ही भरता ना टोकन, हो तो तुमको पता है कि बाइंग अ पुट ज्यादा सेफ है ना, हाँ मतलब सेलिंग से कोई भी, सेलिंग अ कॉल या सेलिंग अ पुट से बाइंग हमेशा सेफ है, क्योंकि तुमको उसमें तुम्हारा लॉस पता होता है,
पता होता है टोकन अमाउंट जितना। अमाउंट जितना पता है इतना ही जाने, ज्यादा से ज्यादा इतना ही जाएगा, हाँ बट सेलिंग में तो कितना भी जा सकता है। हमने यहाँ पे किया, मैक्सिमम प्रॉफिट किया था स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये हाँ प्राइस तो कितना भी जा सकता है ना, जीरो तो जा सकता है, हाँ इसमें इसमें तो अनलिमिटेड था। मतलब ये जो सेलिंग में कॉल में प्राइस तो ऊपर तो कितना भी जा सकता है, नीचे तो हाँ भी एक बार पता होता है कि चलो जीरो ही जाएगा, इसमें तो भी तुमको लॉस पता होता है ना तुम्हारा सेलर को कि चलो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, 1000 माइनस ये जो मिला है मुझे वो। बट फिर भी बड़ा ही है ना अमाउंट, तो बड़ा ही है जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा ये स्टॉक उतना बड़ा लॉस के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो इसमें तो हमेशा बाइंग इज प्रिफर्ड। ठीक है, अगर मैं ठीक तुमको है बोलूं कि बाइंग अ पुट और सेलिंग अ कॉल, ठीक है, दोनों का पर्पस तो वही है ना कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, सॉरी, बाइंग अ पुट और सेलिंग अ कॉल का पर्पस क्या है कि प्राइस डिक्रीज हो जाए, बट हमेशा बाइंग अ पुट विल बी मोर प्रेफरेबल बिकॉज दिस हैज अ हायर रिस्क टेकिंग रिस्क। ठीक है, समझे? तो ये ऐसा ऐसा तुम्हारा ये कॉल और पुट का। तो कॉल और पुट में तो अभी तुमको कोई भी अलग आंसर, ये सब ये तो बहुत इजी समझे। ठीक है, इसमें ना और आगे आएंगे, ये तो बहुत ज्यादा इजी है जो लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर ये कंसेप्ट दिमाग में रहा तो बाकी के सम्स थोड़े बहुत इजी हो जाते हैं। पर तुम इसी में फंबल लगोगे कि बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, तो वापस मैं बोल रहा हूँ बाइंग और सेलिंग में मत जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बाइंग और पुट मत बोलो, मैंने पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। और वो पुट का कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर प्राइस डिक्रीज हो तो तुमको एसेट लेना है मेरे से। ठीक है, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बड़े तो लेना है, हमेशा बायर से प्रस्पेक्टिव सोचो, सेलर का तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा हमको बायर के प्रस्पेक्टिव से ही सोचना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, क्वेश्चन भले सेलर का पूछे, तुम बायर का करो, बायर का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो तुम्हारा सेलर का होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज अ फॉरवर्ड कमिटमेंट। मतलब तुमको, मतलब उसको करना ही करना है। मतलब हाँ उसको करना ही करना है, कौन सा है फॉरवर्ड कमिटमेंट? कमिटमेंट का क्या था? सकता ना उससे हाँ वो बैकआउट नहीं कर सकता, कौन सा था इसमें? सीडीएस या नहीं स्टॉक नहीं, सीडीएस होगा। बैकआउट नहीं कर सकता, हाँ क्रेडिट डिफ उससे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से। अच्छा ये हमने क्वेड डिफॉल्ट स्वैप भी, स्वैप था ना हाँ तो पता है वो भी एक फॉरवर्ड था, हाँ वो भी एक टाइप ऑफ फॉरवर्ड ही है ना, तो फॉरवर्ड में कमिटमेंट होता है क्या? तो इंटरेस्ट रेट क्या बोलूँ, इंटरेस्ट रेट स्वैप और क्वेड दोनों सेम ही हो है ना, पता है इसमें फॉरवर्ड में तो तुम डिफॉल्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में तो देना ही होता है। हाँ तुमने पैसा लिया। अच्छा ठीक ठीक है। हाँ है, इसमें तो भी पता है, इसमें तो भी हमने किसी ने पैसा नहीं लिया था स्टार्टिंग में, हाँ मैंने तुमसे लिया था ना, मैं तुमने मेरे से लिया था, ऑप्शन में तो तुमने पैसा लिया ना मेरे से, पैसा देके नहीं तो मैं तुम पे लीगल केस कर सकता हूँ कि तुमने मेरे से पैसा लिया, बराबर ना? तो क्या कमिटमेंट क्या देना है? ठीक है, ये दो भी तुम डिफॉल्ट नहीं कर सकते, बट ये सिंस फॉरवर्ड है वो डिफॉल्ट रिस्क तो है इसमें, और हमने हाँ स्टार्टिंग में कोई भी अमाउंट एक्सचेंज नहीं किया है। ऑप्शन में क्या किया था, हमने अमाउंट एक्सचेंज किया था ना पहले के दिन, तुमको तो फॉरवर्ड में एक तो बेचना है या खरीदना है ना, और ये हो गया तुम्हारा कॉल ऑप्शन हो गया तो तुमको खरीदना है, पुट ऑप्शन हो गया तुमको बेचना है। ठीक है, तुम्हारा कमिटमेंट हो गया। अच्छा ऑप्शन एस क्या, ऑप्शन एस कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन इज द राइट टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस, राइट टू बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एन ऑब्लिगेशन टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। तुमने कॉल का ये कब करोगे, कॉल
टू व्हेन यू बाय अ कॉल व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो गो अप ना, तो अप। व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप तो क्यों, तो तब वो क्या और कॉल ऑप्शन होता क्या है, चेस मतलब क्या होता है कॉल ऑप्शन, तुम क्यों करते कॉल ऑप्शन, ऑल ऑप्शन ये करते तुम हैं। मुझे कॉल ऑप्शन मतलब तुमने मुझे टोकन दोगे, किस हाँ के लिए टोकन दोगे, किस इसका इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं जो अमाउंट डिसाइड हुआ है उतने में ही लूंगा, इवन अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम। तो तुमने क्या लूंगा मतलब क्या हो गया, राइट राइट टू टू बाय बाय। इंग्लिश में प्रॉब्लम है तुमको लगता है नहीं, ना, राइट टू बाय हो वो गया ना, हाँ ऐसा समझ के आंसर हाँ करो, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, तुमने जो भी हाँ हाँ समझा है तुमको समझ के ही आंसर देना है, वो तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है तो तुमको ये तो अभी तो आ गया तुमको, बट एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते लो एग्जाम में, माफुरा के पीछे के क्वेश्चन, तुमको सीधा सीधा जाना है, जो जो एक एक वर्ड पूछे ना एक एक वर्ड से जाना है कि ये क्या पूछा है ना, अभी इसमें था ना पुट क्या था, एक्सरसाइज प्राइस क्या था, एक्सप्रेशन प्राइस क्या था, अभी स्टॉक प्राइस अलग ना ऐसे ही दिया, इसका कुछ मतलब नहीं है, कभी कभी ऐसा होगा कि इसका भी कुछ मतलब होगा, वो तुमको पता होना चाहिए कि कभी इसका मतलब है कभी इसका मतलब नहीं है, ठीक है। सही रहा, इंटरेस्ट रेट से आप सर क्या, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर ये भी एक फॉरवर्ड है, ठीक है, एक टाइप का, ये याद रखना कि इंटरेस्ट रेट भी एक टाइप का फॉरवर्ड ही है, क्यों तो बी हो गया इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्यों भी हो गया। क्योंकि रेगुलेटेड तो नहीं होते हैं फॉरवर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज मनी सेट फॉर अनदर ऐसा नहीं होता है। अभी नहीं होता वो, तो हमारा इंटरेस्ट रेट पे होता है, तो बचा क्या, ठीक हाँ बचा तो अभी, बट ऐसा तो हमने उल्टा किया क्वेश्चन, बट ये क्या है उसका, इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, कि इसमें हमने बताया वो हर एक एक्सचेंज सॉरी वो जो 90 डेज का था ना, हाँ पता है वो था तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट था वो 1 साल का था, पर पता है हमने जो पैसा दिया था वो 90 डेज के हिसाब से दिया था हर बार, पता है हर बार वो कॉन्ट्रैक्ट फिर रिसेट होगा, हाँ देखिए अगर 90 डेज के हिसाब से हमने किया था ना कि 90 डेज का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो ये हर हाँ हर कॉन्ट्रैक्ट हर जिस दिन हम पेमेंट होता है ना हर बार वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है, मतलब क्या हुआ कि आज चलो 2 रुपया था, 2% था, तो 2 का 2.15 हो गया, तो जो भी डिफरेंस होगा वो पे होगा, फिर वापस वो 90 डेज में, फिर अगर नए 90 डेज में अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ऐसा हर तो एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तुम चलो वो क्वार्टरली डिवाइड कर देते हो, ठीक है, इसके लिए तो सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये बताओ क्या है, हाँ एट एक्सपायरेशन एक्सरसाइज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अभी एक्सरसाइज वैल्यू जब भी है ना, प्रॉफिट वैल्यू मतलब प्रॉफिट, अभी कब होगा पुट ऑप्शन का प्रॉफिट, पुट ऑप्शन मतलब प्राइस टू गो डाउन एक्सपायरेशन पॉजिटिव एट द अंडरलाइन एसेट प्राइस लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस 0 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
ए होगा। ये होगा। अच्छा कभी नेगेटिव हो सकता है क्या वैल्यू तुम्हारा नहीं पुट में, एक्सप्रेशन वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं नेगेटिव इफ द अंडरलाइन एसेट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। नेगेटिव तो कभी नहीं होता है, जीरो तो हो सकता ना, जीरो हो सकता है, बट जीरो ओनली इफ हमें उसमें प्रॉफिट नहीं होगा ना। प्रॉफिट नहीं होगा। बोला जीरो में प्रॉफिट नहीं होता है, तो वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव इज अंडरलाइंग एसेट माइनस इज एक्सरसाइज, लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। मतलब पुट ऑप्शन इज पॉजिटिव इफ द अंडरलाइन एसेट प्राइस, मतलब तुम्हारा स्टॉक प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस। मैं को देखा जाता आंसर राइट है क्या, और इसका ना कोई ट्रिकी था 49-2 ना। हाँ ये था ना।
का एट एक्सपायरेशन लाइक्स वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन वापस प्रॉफिट। एक्सरसाइज मतलब प्राइस रिटर्न ऑफ जीरो और द एक्सरसाइज प्राइस माइनस अंडरलाइन एसेट प्राइस रिटर्न ऑफ जीरो और कॉल कॉल का कब वैल्यू होता है? जब प्राइस बढ़ता प्राइस बढ़ता है, कहाँ से? अच्छा इससे एक्सरसाइज प्राइस ना, है एक्सरसाइज प्राइस से। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सरसाइज वैल्यू क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा एक्सरसाइज, क्या माइनस करोगे? तो मतलब माइनस क्या होगा एक्सरसाइज, मतलब सी होगा क्यों क्यों सी होगा? ये क्यों नहीं? ग्रेट द अंडरलाइंग एसेट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस अंडरलाइन एसेट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सप्लेनेशन पूछा ना। अंडरलाइन एसेट प्राइस माइनस करेंगे एक्सरसाइज प्राइस से तो प्रॉफिट कहाँ से होगा बराबर, मतलब एसेट प्राइस तो लोगे, बट अभी एसेट प्राइस कुछ भी हो सकता है ना, उसने लिखा नहीं है कि वो एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर है प्राइस, तो वही ग्रेटर ऑफ जीरो या फिर अंडरलाइन है। ये तो आंसर वही था ना, तुमने अंडरलाइन एसेट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस ही था ना, बट वो जीरो से ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए ना ग्रेटर ऑफ जीरो ना, वरना ये भी तो आएगा अंडरलाइन एसेट, आंसर तो ये होना चाहिए था, क्योंकि वही माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंड प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस ना, और बट वो उसने लिया नहीं है कि एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो अगर अंडरलाइन प्राइस तुम्हारे एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए आंसर, ग्रेटर ऑफ जीरो ऑफ द अंडरलाइन और माइनस ये। ठीक है, ठीक है, आगे सब आंसर ये ना, सब बिना पढ़े आ गए, तो ये सब ऐसे कंसेप्ट है जो बिना पढ़े ही आने चाहिए। अब तुमको रीड क्यों करना है, ताकि तुमको सब याद रहे, स्वैप्स क्या है, इंटरेस्ट स्वैप स्वैप्स क्या है, क्रेडिट स्वैप्स क्या है, एक्सचेंज डेरिवेटिव्स क्या है, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है, ये सब याद रखने के लिए बुक्स पढ़ने होते हैं, समझे? ठीक है, अभी हम अभी इसमें और भी थोड़ा अभी ना और डीप जाता है, ठीक है ना, और थोड़ा डीप जाता है अभी। अभी तुमने जो जो कुछ पढ़ा है उसका यूज कैसे होता है, ठीक है, वो अभी थोड़े और डीप में आता है, कि तुम्हें इसमें इसमें फिर तुम्हारे फॉरवर्ड्स आ गए, मतलब फॉरवर्ड मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन वैल्यूएशन आ गया भाई, ऑप्शन वैल्यू कैसे करोगे, और प्रीमियम का प्रीमियम आया कैसे, वो जो बोलते हैं ना 100 रुपया कैसे आया, कैसे वो चेंज हो सकता है, तो वो सब फिर अभी कैलकुलेशन से आ गए। ठीक है, बट पहले पता होना चाहिए कि प्रीमियम क्या है, कि अगर वो पता है पहले तो ना, हम अभी ये सब था नहीं हमारे टाइम, हमारे टाइम में डेरिवेटिव इतना ईजी था ना, कि मैं ट्रेडिंग करने गया था, मेरे को इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, कि ये सब स्ट्रेटेजी हमें ऑलरेडी करने का रोज ऐसा था, वही और प्रैक्टिकल चीजें तुम ज्यादा समझ के करोगे, खुद को अगर एग्जाम्पल दे पाओगे तो ही फायदा है, खुद को अगर तुम समझ खुद को ही नहीं बता पाओगे तुम, मतलब तुमने मैंने तुमको पूछू कि सारा एग्जाम्पल दो, तो मुझे नहीं समझ रहा है, तुमको नहीं समझ, तुमको समझाने नहीं आया तो तुमको समझेगा भी नहीं, तुमको समझाना आना चाहिए, कोई भी तुमको पूछे कि सार्थक मुझे एग्जाम्पल दो, तुम्हारे सामने कोई भी रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है, तो कल मैं नहीं हूँ, अभी अच्छा हम ठीक मंडे को मिलेंगे, ठीक है, कल है सर मैं नहीं हूँ, तो तब तक तुम अभी डेरिवेटिव्स हो गया ना पढ़ के तुम्हारा, तो अल्टरनेट भी पढ़ना, ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारा ठीक ये है कि हमको ये बुक पहला खत्म करेंगे, कौन सा, डेरिवेटिव्स का, अल्टरनेट का और तुम्हारा फिक्स इनकम, ठीक है, तो एक दूसरे को सब रिलेटेड है, तो तुम आगे पढ़ते जाना, ठीक है, मेरे लिए रुकना मत कि सर जब बताएंगे तब पढ़ेंगे, ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेट का फिक्स इनकम चालू करना, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है ना वो थोड़ा फिक्स इनकम में भी आता है, इसके लिए पहले डेरिवेटिव से चालू किया, ठीक ठीक है है, तो
तो फिक्स इनकम में पहले दो चैप्टर्स तो इजी है, फिक्स इनकम क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कुछ ऐसा ये नहीं है कि है ना, समझने नहीं समझा ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो तुम्हारा ठीक टारगेट है कि बुक जितना हो सके उतना पेजेस पढ़ना है, दिन के 30 पेज है, तो आज का क्या है, ठीक आज थर्सडे है, थर्सडे है फ्राइडे सैटरडे संडे, चार, मतलब 120 पेज तुम्हारे पढ़ के हो जाने चाहिए, एक सेकेंड, ठीक 120 पेज यहाँ से, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम कौन से पेज पे थे कल? मैं बुक के हिसाब से तो 151 था, मतलब डेरिवेटिव्स खत्म हो गया था बुक हाँ, वन के हिसाब फिफ्टी से। वन मतलब 150 मतलब तुम्हारा और फिफ्ट, ये टोटल जितना भी होगा 240 पेजेस है, तो 100 पेजेस तुमको पढ़ने ही है, मतलब ऑल्टरनेट डेरिवेटिव तुम्हारा पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए, और फिक्स इनकम भी चालू हो जाना चाहिए, समझे समझे, ठीक ठीक है हाँ है। फिक्स इनकम भी पहले दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी है, कुछ समझने लायक नहीं है, ठीक ओके, और ग्रुप ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, है ना और नो जो नहीं समझे वो मार्क करके रख। पेमेंट कब करोगे तुम अभी? हाँ सर आज करता हूँ अभी। अच्छा, सार तक हाँ निकलेगा। सर।